चीफ गेस्ट करके बुलाते हैं ना वो इतने ही कहते हैं तो वो मेरे मुंह की तरफ देखते मैंने क्या हुआ स्पीच हो गई अब डांस करो क्या बोला हाँ तो मैंने कहा ले ना मैं तो खुद तैयार हो करने के लिए वेरी बात वेरी गुड बेटा पता की बात पूछी आपने हिम्मत करी सबसे पहले पूछने के लाइफ में किसने नहीं, नहीं पूछ आ रे 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 મોટર પડીર રી પડી ધરણા મોટર રીમોટર પડીર પડી ધરણા ઓજેપુર જા બાળો કોને આર રરરરરરરરરરર રજે પુરી જાઉં રે કમી જો લઉં રે ઓજે પુરી જાઉં કે કમી જો हेलो फ्रेंड्स आज पंजाब के श्री डिजिटल न्यूज रूम चौपाल में धूम मचाने आ रही हैं फेमस कालबेलिया डांसर पद्मश्री गुलाबो गुलाबो जिनका डांस का एक मूव सीखने के लिए देश विदेश से सैकड़ों लोग खींचे चले आते हैं और वो जहां जाती है समा देती है तो आइए मेरे साथ अरर अरर की तरंग पर झूमती गुलाबों से कीजिए मुलाकात मैंने ठीक ही कहा था गुलाबो जी जहाँ जाती है वहाँ धूम मचा देती हैं आज न्यूज़ रूम चौपाल में हमारे सामने हैं गुलाबो जी एक देशों में जी हाँ मैं फिर से दोहरा दूँ एक देशों में कालबेलिया डांस को ले जा चुकी गुलाबो जी तो मेरा पहला सवाल गुलाबो जी आपकी जो जर्नी है एक देशों की वो कैसे शुरू हुई मेरी शुरुआत जो है वो बचपन से हुई है और मैं हम कालबिलिया समाज से हैं जिसके कालबिलिया बोलते हैं लेकिन हम लोग सपेरा लोग हैं और सपेरा मतलब सांपों को नचाना घर घर जाके उनकी पूजा करवाना उनके साथ पली बड़ी मैं क्योंकि मुझे जन्मते ही जमीन में गाड़ दिया था तो पापा डरते थे कि समाज से कहीं इसको फिर से मार देंगे तो इस चक्कर से मेरे पापा मुझे साथ रखते थे वो ही सांपों का झूठा दूध पी के बड़ी हुई और मैं वो बीन की धुन और वो डपली की थाप सुन सुन के और मैंने भी डांस स्टार्ट कर दिया सांपों के साथ और एक रोज़ पुष्कर मेला में हम लोग डांस कर रहे थे और वहाँ से मेरा ये सफ़र स्टार्ट हुआ अच्छा मैम एक पचास रुपए का एक पुष्कर मेले में जो किस्सा हुआ था मैं चाहती हूँ कि वो आप दर्शकों को बताइए जब मुझे पहले बार पुष्कर में नाचने को और प्रोग्राम करने का मौका मिला के मैडम ने कहा कि बोला आपको ये प्रोग्राम जो यहाँ डांस कर रहे हो वो वहाँ करना है आपको प्रोग्राम करना है प्रोग्राम क्या होता है मैम तो नहीं समझते मैं बहुत छोटी थी मैं नहीं बोल रही थी मेरे साथ जो औरते थी एक जो बीन बजा रहा था मेरा चाचा वो था तो बोले जैसे यहाँ डांस कर रही वैसे वहाँ कर लेना तो उस रोज हम शाम को जाके डांस किया फिर दूसरे रोज भी किया और फिर सुबह जब मिलने के लिए हमें बुलाया था मैडम ने तो फिर मेरे को पचास रुपये दिए और कुछ कलाकारों को दस दस बीस बीस रुपये उनको दिए और मेरे को वो पचास का नोट दिया कि ये तेरे पास रख ये तेरी मेहनत का तो वो पचास का नोट मैंने पहली बार देखा क्योंकि एक पैसा दो पैसा तीन पैसे चार पैसे पाँच पैसे देखते थे और एकदम पचास का लाल लाल कलर का नोट था वो मिला और वो देखा तो बोले पचास रुपये ये तू तो दे, देखा कभी मैंने कहा मैंने देखा नहीं इसीलिए मैं देख रही हूँ पलट पलट के तो मैम ने बहुत लाड प्यार किया मुझे और वो पैसे दिए और वो पैसे मेरे पास आज तक पड़े हुए हैं मैम हमारे जयपुर की जो महारानी है गायत्री देवी उनसे आपका बहुत गहरा रिश्ता बताया जाता है तो वो स्टोरी ज़रा सुनाई वो, वो भी उस टाइम पे मिले थे मुझे पुष्कर मेला में पहले बार जब देखा था तृप्ति पांडे जी और हिम्मत सिंह जी तो महारानी गायत्री देवी जी भी पहले बार मुझे वहाँ पुष्कर में देखा था और उन्होंने कहा कि बोले ये लड़की सिर्फ एक राजस्थान की ये अपने समाज की नहीं ये पूरे राजस्थान की बेटी है पूरे हिंदुस्तान की बेटी हो सकती है एक रोज़ पूरे वर्ल्ड में ये छा सकती है अगर इसके पीछे कोई सपोर्ट हो और इसको आगे लेके जाना जाने वाला होना चाहिए तो जब टूरिज्म डिपार्टमेंट सेठी साहब और वो सब थे कि बोले नहीं इस बच्ची को आगे निकलना चाहिए और तृप्ति जी मैडम जो है वो मेरे लिए पचास रुपये उन्होंने स्पेशली पास करवाए थे क्योंकि उनका तो बजट होता है लेकिन उन्होंने कहा कि देखो इस बच्चे को अपन इनको बढ़ावा देंगे तो ये आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से मेरे को उन्होंने बढ़ावा दिया और जब जयपुर आ गए ये लोग और मैं वहाँ करी थी तो मेरे समाज के लोगों को पता चला कि ये लड़की तख्तों पर डांस करके आई तो मेरे को समाज से बाहर कर दिया था और पिताजी वहाँ से डेरा लद के दूसरी जगह चले गए तो इधर से महारानी गायत्री देवी जी जो सांप नचाते थे यहाँ पे रामबाग होटल में टूरिस्टों को दिखाते थे, थे उनको कहा कि तुम्हारे सपेरों की लड़की मुझे पुष्कर में मिली तो उस लड़की को लेके आओ तो वो लोग जयपुर वाले कहने लगे कि मैं वो अजमेर के हैं मैं जयपुर के हैं हमारे तो जान पहचान भी नहीं होती तो हम कैसे मिल सकते हैं कुछ भी हो वो भी सपेरों की तुम भी सपेरे हो सपेरे सपेरे एक होते जाके लेके आओ नहीं तो तुम भाग जाओ यहाँ से तो उनको यहाँ बैठना उनका बंद कर दिया और उनको भगा दिया फिर वो एक समाज से के मतलब एक फैसले से वो लोग वहां पहुंचे मेरे पापा के पास कि भाई तेरी बेटी की वजह से हमारा रोजगार पे मिल रहा था वो भी हमारा छुट गया वहाँ से साफ दिखाना बंद हो गया तेरी बेटी को महारानी गायत्री देवी जी बुला रही हैं और तृप्ति पांडे जी और हिम्मत सिंह जी बुला रहे हैं आप वहाँ लेके जाए तो मेरे पापा ने मना कर दिया कि नहीं मेरी बेटी को नहीं भेजूंगा मैं मैंने सुन लिया कि वो मेरी परी मैम मुझे बुला रही है और वो मैडम जो मेरे को बहुत प्यार कर रही थी वो भी मुझे बुला रही है तो मैं कैसे जाऊँ मेरे भाई के साथ में फिर मैंने रात को कहा मैंने कहा भैया मैं मुझे बुला रही मेरे को वहाँ जाना है कि भैया कहा तू सात साल की बच्ची कहाँ अकेली जाएगी मैंने कहा आप चलोगे ना मेरे को साथ लेके बोला आप लोग कहाँ जाएंगे बेटा हम तो जयपुर को जानते नहीं है मैंने कहा हम जाएंगे तो ऐसे करके मैं रोने लगी बाहर लेके गई भैया को जंगल में और वहाँ जा खूब उनके हाथ जोड़े फिर कहा कि ठीक है सब कुछ सोने दे तो रात की एक बजे हम लोग रात की एक डेढ़ बज रही थी भैया मेरे को कंधे पे उठाया और हम लोग बहुत दूर आके एक डबल फाटक कहते हैं अजमेर के पास में डुमाड़ा के पास वहाँ पे बस को रुकवाया सुबह छः बजे और वहाँ से फिर बैठ के हम लोग जयपुर आए उसके बाद तो हम लोग कभी अभी तो मिलने के लिए जाते फिर जल्दी गए नहीं थे फिर यहाँ जयपुर आ गए पापा को पता चला कि दोनों बहन भाई यहाँ नहीं है तो वो सोच रही है कि वो तो भागे ही मैडम के पास तो यहाँ आने के बाद में फिर हमें कहाँ कुछ एड्रेस पता था नहीं तो भैया रक्षा चलाते थे और इस तरीके से हम मैंने बताते हैं पेट पालन किया फिर धीरे धीरे करके और मैडम के महारानी गायत्री देवी जी के पास में भी पहुँचे और तृप्ति जी के पास में भी पहुँचे और टूरिज्म डिपार्टमेंट में भी पहुँचे मैडम ने कहा आज के बाद तो कहीं नहीं जाएगी सिर्फ मेरे पास रहेगी तो जब से मैडम ने मेरे को गोद ले रखा और मैं महारानी गायत्री देवी जी की गोद ही गई हुई एक तरीके से उनकी बेटी समझो उन्होंने मुझे ये यहाँ तक जयपुर में रहने का उनको सारा दिया और मुझे जो एक ताश थे ना जिसको वो मेरे को जो जिसको बोलते हैं लाइफ दाता वो मेरे हिम्मत सिंह जी और तृप्ति पांडे जी हैं जी गुलाबो जी आप इतना लगातार बोल रही हैं आपके एक एक सेंटेंस में मुझे लगता है कोई कहानी है कि जिंदगी का संघर्ष है आपने ये सवाल और आगे बढ़ने थे लेकिन मैं बीच में इसलिए आया कि आपने कहा कि समाज के लोगों ने आपके परिवार को एक तरह से बहिष्कार कर दिया था कि आपकी बेटी है वो डांस कर रही है उस वक्त आपको क्या लगा था मैं जब मेरे को मेरे को पता था कि मुझे जन्मते ही गाड़ दिया मेरे माता पिता ने कह दिया था कि बेटा ये लोग ऐसे ही हैं और इस तरीके से तेरे को जन्मते ही गाड़ दिया था तो मुझे पता था कि मेरा समाज हमेशा मेरे से खिलाफ रहा है लेकिन मैं इस समाज को ये दिखाना चाहूंगी कि अभी मेरे को सरकार का सपोर्ट भी मिल रहा है और बड़ा बड़ा जब बड़ी मैडम मेरे को बुला के गई है तो बस मैं अन फिक्र होके सारा काम करती थी मुझे मेरा डांस अच्छा लगता है बस सारी दुनिया खराब मेरा डांस सबसे अच्छा तो उन लोगों को मेरे को कोई असर नहीं पड़ता था कुछ मुझे समाज से बाहर कर रहा है कोई मुझे गालियाँ दे रहा है या मार रहा है या फिर मारने की प्लानिंग कर रहा है या कुछ कर रहा है कुछ गंदे बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था बस मेरे को मेरा डांस नहीं छोड़ना चाहिए बस वो डांस मैं करती गई डांस करती गई गुलाबो जी आपने कहा कि आ, पैदा होते ही गाड़ दिया जमीन में जो गुलाब हो बड़ी होकर कलाकार बनी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति उसको मिली और उनके बाद में उनकी भी पहली बेटी हुई किस तरह की उस वक्त जब बेटी को आपने देखा राखी नाम है उसका जब उनको देखा तो आपके मन में क्या भाव आया कहते ना के कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ तो मैं मेरे को मेरी माँ ने मुझे बचाया मिट्टी से पाँच घंटे जमीन में और धरती माता के पेट में रहने के बाद भी मेरी माँ ने मुझे जब बाहर निकाला तो ममता तो थी ना कि माँ की सारी चीजें मेरे दिल में ऐसे घर कर रखा था कि मेरी माँ नहीं होती तो मैं नहीं होती तो मुझे भी मेरे को वैसे ही माँ बनना था कि एक माँ ही है जो एक बच्चे को जन्म दे सकती माँ ही है जो बच्चे को पाल सकती माँ ही है जो एक अच्छा ज़िंदगी दे सकती माता पिता दोनों अच्छा भविष्य देते हैं बच्चों को वो अच्छा पालन पोषण करे तो।, तो मेरे माता पिता मेरे लिए भगवान है और मेरी माता को मैं बहुत प्यार करती हूँ तो मेरे जब बेटी हुई मेरे अमेरिका से आने के बाद जब मेरी शादी हुई और होते ही मेरे पंद्रह साल की उम्र में मेरी बेटी हुई जब मैं पंद्रह साल की थी तो मेरी बेटी हुई तो मैंने मैं तो खुद ही बच्ची थी उस टाइम पे लेकिन मैंने देखा तो एकदम मेरे को ऐसा लगा कि एक दूसरी बिलावो पैदा हुई है और इसको वैसी ही जिंदगी देनी है कि मैं तो बहुत परेशानियों से निकली हुई लेकिन मेरी बेटी को ऐसी कोई जिंदगी नहीं देनी जिससे इसको परेशानी उठानी पड़े लेकिन गरीबाई थी वो पीछा नहीं छोड़ रही थी कि मैं चाहे घने ही अमेरिका नंदन पेरिस होलैंड जाके आ गई थी लेकिन सिर पे छत भी नहीं था मेरे उस टाइम पे भी जब बेटी हुई जब भी तो मेरी बेटी मेरे पास में 20 दिन की थी तो इतना वो भादबे में हुई थी पूनम के दिन ही और भी दस पंद्रह दिन के बाद में जो इतनी भारी बरसात हुई कि मेरा टेंट जो था तम वो इसका गुदड़ी का बनाया हुआ वो उड़ के भी चला गया और उसके बाद में मेरी माँ और मेरे जो पति देव है वो एक बक्सा देते हैं बेटियों को दहेज में वो एक लोहे का बक्सा दे रखा था इतना बड़ा सारा उस बक्से में मुझे बिठाया और एक तरफ से कुंदा मेरे सांप पकड़ रखे थे एक तरफ से मेरी माँ कुंदा पकड़ के चार घंटे तक खड़े रहे और मेरे को और मेरी बेटी को उस बक्से के अंदर बिठा दिया कि इनको सांस मिलती रहे और बरसात से हम लोग बच जाए तो इस तरीके से चार घंटे तक मैं बरसात में बैठी रही उस बक्से के अंदर और मेरी माता ने और मेरे साहब ने मुझे बचाया मेरी बेटी को तो मैं वो देखती जा रही थी कि ये सारी परेशानियाँ मेरे बच्चों के सामने नहीं आए मेरे एक मेरे सिर्फ मेरे बच्चों के सामने नहीं मेरे पूरे समाज के सामने नहीं आनी चाहिए सारी परेशानियाँ और धीरे धीरे करके सारी पूरे सैनियाँ खत्म होएगी क्योंकि समाज के लोग मान चुके थे जब मैं अमेरिका से आई थी तब तो, कहा कि बोले बेटा आपकी जैसी बेटी चाहिए मुझे समाज में वापस ले लिया था तो मैंने उनको कहा कि तुम बेटियों को तो मार देते बेटी कहां हो बेटी कहाँ से होगा तो समाज के लोगों ने कहा कि आज के बाद हम किसी बेटी को नहीं मारेंगे तो पहला बेटी मेरी हुई और मेरे को बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी हुई ना आज देखो यहाँ से स्टार्टिंग होती बेटियों की जान मचना तो मेरी बेटी की जान मची और सारी बेटियों की जान मची आज हमारे समाज की बेटियों को कोई नहीं जिस नाम से आपने ख्याति प्राप्त करी लेकिन आपका असल नाम क्या है जिससे लोग आपको बचपन से पहचानते हैं और कैसे आपका नाम गुलाबो रखा गया मैं जब मेरा मेरा जो जन्म हुआ था वो धनतेरस को हुआ था धनतेरस का मेरा जन्म था और मेरा नाम धनवंती रखा गया कि पापा ने कहा कि ये तो बहुत भाग्यशाली बेटी है कि मेरे धनतेरस के दिन एक लीचमी पैदा हुई है तभी तो मेरे पापा ने कहा कि एक लीचमी पैदा हुई मेरे घर में तुमने जमीन में गाड़ दिया तो मेरा नाम मेरे पापा ने धनवंती रखा था और बचपन से मेरा नाम धनवंती था साल डेढ़ साल की थी तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि डॉक्टर भगवान दास जी के पास लेके गए थे डॉक्टर ने कहा कि तो मर गई इसको ले जाओ तुम मेरे पापा कहा डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हैं ये बच्ची पाँच घंटे जमीन में गढ़ने के बाद नहीं मरी तो अभी किसी बीमारी से मर जाएगी जब जब तो जन्मते ही इसको गाड़ दिया था तो दोस्त जैसे ही थे मेरे पापा और डॉक्टर साहब तो काके बोला ठीक है अब तो वो मर गई तो मेरे पापा ने कहा कि नहीं मर नहीं सकती तो मेरे पापा लेके और पीर बाबा अजमेर ख्वाजा शरीफ की दरगाह में ले जाके मुझे वहाँ लेटा दिया कि मैं बाबा की धरती पे पैदा हुई यहीं ये गाड़ी यहाँ ये जिंदा निकली फिर कैसे मर सकती तो मेरे पापा मेरे को पीर बादशाह के वहाँ अजमेर ख्वाजा शरीफ के दरगाह में ले जाके मुझे लेटा दिया एक घंटे के बाद में गुलाब का फूल आके मेरे सीने पर गिरा और मेरी सांसें चलने लगी और मौलानी साहब ने कहा कि तेरी बेटी जिंदा हो गई ये बाबा तुम तो बाबा लोग फिर भी यहाँ लेके आये तुम्हें विश्वास है बाबा पे कि बाबा पे विश्वास है सबका भगवान तो एक ही होता है तो बोला तेरी बेटी जिंदा हो गई ले जा बोला बाबा जिसको मैं लेके आया था हम साहब उसका नाम धनवंती था और वो धनवंती थी जिसको मैं आज लेके जाऊँगा वो गुलाब है ठीक है बाबा के यहाँ से गुलाब मिला है मुझे तो बस उस रोज से मेरा नाम गुलाब रखा और पापा हमेशा गुलाब के नाम से बोलते थे गुलाब जी गुलाबो जी ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी तकरीबन सात घंटे तक आप उसमें दफन रही घंटे बाद किसी बच्चे का जमीन से बाहर जिंदा निकलना बेशक किसी चमत्कार से कम नहीं है तो ये किस्सा एक बार आप पूरा हमें बता सकती हैं कि किसने तो आपको उसमें दफन किया तो उसके बाद में किसने आपको वहां से बचाया हमारे समाज में क्या एक पर्ता थी और गरीबाई थी और हम लोग सांपों को नचाने का काम है घर घर जाके बिचड़ी समाज के हैं और घुंबुतो समाज के जिसको बोलते आदिवासी लोग हैं तो इन्होंने एक प्रथा बना रखी थी कि अपन बेटियां रखेंगे तो हो सकता है कि बेटी कहीं चली जाए या भाग जाए दौड़ जाए तो वो एक सात पीढ़ी का कलंक लगता है और इस इस चक्कर से उन्होंने एक प्रथा बनाई कि हम बेटियों को ज़िंदा नहीं रखें जो भी आती जिस जिस दुनिया से आती उस दुनिया में उसको वापस भेज दें तो हमारे समाज में ये था कि जो बेटी जन्मती थी उसको ज़िंदा ही वापस गाड़ते नाड़ा नहीं काटते थे और जैसे जन्मते उसको ज़िंदा जमीन में गाड़ देते और जब उनको खुद को शादी करने की जब पड़ती और कोई लड़का जवान हो गया पच्चीस साल का तीस साल का अब लुगाई कहाँ से लेके आए तो ये मोल खरीद के लेके आते हैं जालोल से वो भी जोगी होते हैं लेकिन वो छाबड़ी बनाने वाले जो होते हैं जालोलिया है, उनको बोलते हैं हम लोग तो वो छाबड़ी बनाने वाले जो होते हैं उनकी बेटियाँ मोल खरीद के लाते थे छोटी छोटी लड़कियाँ खरीद के लेके आते हैं उनको पाल पोस के बड़ा करके जवान करके फिर उनसे शादी करते हैं चाहे वो फिर चालीस साल का ही क्यों नहीं हो तो वो ये नहीं सोचते कि ये भी बेटी है और वो भी बेटी है अगर ये चली जाएगी तो फिर क्या होगा लेकिन वो ये सोचते थे कि ये बेटी दूसरों की लेके आते हैं वो हमारे खुद की बेटी होती थी तो इस चक्कर से वो लोग अपने ये पढ़ता थी मेरे पापा मेरे दादा बहुत खूंखार थे तो दादा ये इस प्रथा का इस जो भी रूल निकाला हुआ था उसका फॉलो करते थे लेकिन पंच भी थे मेरे दादा और बहुत लोग डरते थे दादाजी से तो मेरे पापा एक संत टाइप में पैदा हुए वो ये कहते कि बेटियों को मारते क्यों तो वो बचपन से लड़ाई लड़ते थे मेरे दादा से और बहुत अलग अलग रहते थे एक रोज़ मेरी माँ का जब जन्म होने वाला था उसी रोज मेरे नाना जी ने कहा मेरे पापा को कि बेटा तू जवान है और 10-15, 20 किलोमीटर घर गांव बहुत दूर है हो सकता कि जापा हो जाए शाम तक डिलीवरी हो जाए तो बेटा तू जाके गुड़ तेल जो भी अजवान वगैरह लेके आ जा तो होते जवान बच्चा होता सभी उम्मीद रखते हैं कि जवान बेटा काम करेगा तो वो मेरे पापा जो है मेरे नाना जी से पैसे लिए और वो गांव में चले गए सामान खरीदने के लिए सुबह गए थे शाम तक वापस आए तो मेरी माँ का जन्म हो गया था तो मेरे नाना जी ने कहा कि वो इतनी दूर जाके जब सामान लेके आया तो मेरे दादाजी से कहा कि मैं आपकी इजाजत हो तो मैं बेटी को जिंदा रख सकता हूँ तो वैसे कोई इतना दबाव नहीं था कि बेटी को कोई जिंदा नहीं रख सकता जिसकी सरदा है और जो पाल पोष के उनको बड़ा कर सकता है उनकी रखवाली कर सकता है तो वो रख सकता था बेटी एक बेटी रख लो चाहे दो रख लो लेकिन रख सकते थे पर कोई कोई बिल्कुल ही नहीं रखते थे तो मेरे नाना जी ने चार भाई हो गए थे उसके बाद मेरी माँ हुई थी तो मेरे नाना जी ने कहा कि नहीं मैं इस बेटी को मैं जिंदा रखूंगा तो मेरे नाना जी रखा और उसी रोज जब मेरे पापा शाम को आए तो कहा कि बेटा ये तू लेके आया बहुत धन्यवाद लेकिन देख ये तेरी अर्धाग्नि पैदा हो गई है तो मेरे पापा रखा कि ये क्या कह रहे हो बोला हाँ बेटा मैं तेरी शादी इसी के साथ करूँगा और मैंने इस बेटी को जिंदा रखा है तो मेरे पापा की शादी उस मेरी माँ के साथ हुई जो जिसके जापे का सामान मेरे पापा लेके आए तो मेरे पापा वो चीज को देख के ये उन, उनको इतना लगा कि मैं काश मेरे समाज की बेटी से शादी हो रही है काश अगर सब लोग इस तरीके से अपनी बेटियों को जिंदा रखें तो वो उसी अपने समाज की बेटी से शादी हो सकती है तो मेरे पापा को अच्छी फील आई और अच्छा लगा तो वो इस रूल को बिल्कुल नहीं मानते थे कहते कि नहीं बेटियों को जिंदा रखो बेटियों को मत मारो तो मेरे पापा की जब शादी होगी मेरी माँ छः साल की थी तो वो ससुराल आना स्टार्ट हो गई तो मेरे पापा अजमेर आ गए मेरे दादाजी को छोड़ के हम रास बाबरा के हैं रहने वाले ब्यावर के पास तो मेरे पापा दादा को छोड़ के जयपुर अजमेर आ गए और वहाँ वो अपना डेरा लगा के रहने लगे तो पहला लड़की हुई मेरे पापा के मेरी माँ तेरह साल की थी पहला बेटी हुई तीसरी दूसरी भी बेटी हुई तीसरी भी बेटी हुई तीन बेटियाँ हुई और मेरे पापा बहुत खुश हो गए कि मेरे तो भाई सरस्वती लक्ष्मी और माता दुर्गा पैदा हो गई है और फिर मैं चौथे नंबर पे बेटा हुआ और फिर तीन बेटे हुए फिर सातवें नंबर पे मेरा जन्म हुआ सातवें नंबर पे जिस रोज मेरा जन्म हुआ उस वक्त धनतेरस थी और पापा चले गए सामान मार्केट में सामान लेने के लिए और पीछे से जब औरतें थी वो कहा कि बोले इनकी तो पहली तीन बेटियाँ तीन बेटे हैं छबल भरी पड़ी है बोले फिर ये बेटी हो गई और इसको बोले तो मैं पाँच साल के बाद हुई थी मेरे भाई के और मेरी माँ माता से दुआ मांग मांग के और मेरे को मांगा था कि मेरे पापा में माता आती थी चामुंडा माता और माता के पुजारी थे तो हमेशा माँ झाल बिछा के खड़ी हो जाती कि मेरे को एक बेटी चाहिए बेटी चाहिए और वो बेटी हुई और समाज की औरतों ने लिया कि इनकी तो फिर से बेटी होगी ले जाके मेरी माँ को बताया नहीं और ले जाके जंगल में गाड़ दिया जमीर मान ने घंटे डेढ़ घंटे इंतजार किया कि बच्चा नहा ले धो ले नाड़ा वाड़ा काट के दाई माई दे देती दे है घंटे पर बाद में बोले मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए क्या हुआ तो माँ रो के कहे भाई मेरी बेटी हुई है बेटा हुआ मुझे दो बोला वो तो मेरी मौसी ने कहा कि लड़की हुई थी उसको जमीन में ले जाके और दफना दिया गा गाड़ दिया उस बच्ची को तो मेरी माँ रोने लगी कि नहीं हो ही नहीं सकता मेरा आदमी मुझे मार ही देगा हमारा तो रूल ही नहीं है तो माता के पूछा रही है लेकिन औरतों ने एक नहीं सुनी धमका के चली गई और मेरी मौसी से जब मेरी माँ ने पूछा तो मेरी मौसी ने कहा कि मैं अभी नहीं बताऊंगी लेकिन रात को बताऊंगी तो मेरी मौसी रात की ग्यारह बारह बजे आई और उन्होंने कहा कि मैं बताती हूँ तेरी बेटी का लेकिन मर गई होगी पाँच घंटे हो गए शाम के सात बजे जन्मी थी वो तो बोला कोई बात नहीं मैं देखना चाहती हूँ जिस बेटी को मैं दुर्गा माता से मांगा और चामुंडा माता से मांगा और उनका वरदान है वो वो कैसे मर सकती है अगर मर भी गई होगी तो मैं देखना चाहती हूँ उस बेटी को जिसको मैंने नौ महीने पेट में रखा और मेरी माँ उस उम्मीद के साथ चली गई जंगल में और जाके जब खोद के निकाले तो मेरी सांसे चल रही थी और मेरी माँ की जीत हुई और उस विश्वास की जीत हुई जिसको जो रखे और मेरी माँ ने कहा कि देख मेरी आत्मा की पुकार और मेरा विश्वास जीता मेरी बेटी आज जिंदा है तो मैं तो बस यही चाहूंगी कि हर माँ अगर ये विश्वास रखे हर माँ ये कोशिश करे कि नहीं मेरा बच्चा मेरे कलेजे का टुकड़ा अगर ये जिंदा रहे और किसी का हक नहीं है तो ये कन्या बुरन हत्या नहीं हो तो बस सब माओं को मैं यही कहना चाहूं कि इस तरीके से हिम्मत जुटाएं और इस तरीके से आप अपने बच्चों की जान बचा सकती है फिर मेरी माँ मेरे को निकाल के जब लेके आई तो बाद में पापा को पता चला कि लड़की हुई थी उसको गाड़ दिया और फिर पापा ने सुबह समाज वालों को कहा तो उल्टा समाज वाले मेरे पापा पे दंड जुर्माना किया कि तुम तो मुर्दा लड़की को निकाल के लेके आए हो और ये लड़की तो जमीन में गाड़ी हुई है मेरे पापा ने कहा कि सीता माता का भी तो जन्म हुआ था मेरी 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 बेटी मेरी एक भगवान है और ए, ये ये अमानत है मेरे पास मेरे समाज के लोगों ने एक डिसाइड कर लिया कि इस लड़की को मरना होगा मेरे पापा ने कहा कि नहीं ये लड़की नहीं मर सकती नाड़ा काट दिया इसका आपने और फिर दूसरी बात की बेटी मेरी बेटी नहीं रही ये नौ महीने माँ के पेट में रही है पाँच घंटे धरती माता के पेट में रही है ये धरती माता की बेटी है मैं इसकी रखवाली रखूँगा इसका मैं ध्यान रखूंगा इसकी पूजा करूँगा मैं इसको नहीं मारने दूँगा तो मेरे पापा की जिम्मेदारी बन गई थी मैं और पापा मुझे संभाल के रखा और पापा ने मुझे पाला पोसा सांपों के साथ पल, पल पल पला के और उनका झूठा दूध पी पी के मैं बड़ी हुई जी गुलाबो जी आपकी कहानी वाकई बेहद वो है मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली है बचपन से जब से आपने जन्म लिया तब से एक बड़ा संघर्ष आपने देखा है गुलाबो जी डांस में तो आपको कोई मात नहीं दे सकता लेकिन आपने पुष्कर मेले को लेकर एक गाना भी गाया था जो कि काफी वर्ल्ड फेमस भी हुआ अगर उसके कुछ शब्द आप गुनगुना दे तो एक बार थोड़ा समा बन जाएगा <laughs> वो गाना वो डांस और वो ड्रेस चीजें मेरे साथ ही जन्मी है और ये गाना मैं पुष्कर मेला में जब यूं खेलती थी तब गाती थी जब करती थी तो मैं तो मैं बस चुलबुली जिसको बोलते हैं ना बदमाश तो बहुत थी मैं बचपन से तो वो मोटर धुंधाती थी तो मैं उसी पे गाना बन गया मेरे को पता नहीं था कि मैं डांस में काम ले इस गाने को रे રેમોટર પડીર રી પડી ધરણા વેરી મોટર પડીર પડી ધરણા ઓજપુર જા બાળો કોને આરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરર રે રજે પુરી જાઉં રે કબી જો લઉં ર ઓજ પુરી જાઉં કે કબી જો ઓ કભી જો બૂટી કો આરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરર રે राजी जो जदी आवे जदी के ओ जी जो जदी आवे जदी के ओ साली मारी बेटी मोटरी में अरे रे रे, रे 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 कालो गे रे बड़ो मेला रिकालो गे ओरे बड़ो मेला ओ लायो काली है अच्छा। मैम आपने अपने संघर्ष की कहानी तो बताई है सबने सुनी और लगभग हर इंटरव्यूज में हम आपके देखते हैं तो वहाँ आपकी जो संघर्ष है जो आपने जीवन भर कदम कदम पर आपने एक जंग लड़ी है लेकिन कहीं ना कहीं इस जीवन में कुछ ऐसे हंसी मजाक हंसी ठिठोली के भी पल आए होंगे एक जैसे आप पहली बार जब हवाई जहाज में अगर आप बैठी हो क्योंकि हर इंसान के मन में क्या एक डर होता है जैसे कोई पहली बार बैठता है तो वो बहुत हिचकता है जैसे मैं भी गाँव से ही आया हूँ तो पहली बार जब हम मैं, मैं खुद बैठने गया हवाई जहाज में बैठने गया तो एक मन में डर था खुशी बहुत थी कि पहली बार हवाई जहाज में बैठने को जा रहा हूं तो आपके मन में उस वक्त ऐसा क्या किस्सा आया था मतलब क्या वो एक मोमेंट हम आपसे जानना चाह रहे हैं हवाई जहाज का बताती हूँ मैं कि मैं अः थोड़ी पीछे जाती हूँ हवाई जहाज के कि जब मैं हम लोग जब सर्दी लगती थी बहुत ज्यादा और खाने को नहीं मिलता था तो पूरी रात हम लोग बैठे रहते आग सड़गा के और माँ को कहते माँ कब ये दलिया बनेगा कब हम खाएंगे तो उसमें पानी होता था और कुछ खाने को कुछ नहीं बन रहा था सिर्फ पानी गर्म हो रहा था लेकिन माया कहती ना वो बच्चों को कभी निराश नहीं होने देती तो वो हमेशा हम उसी उम्मीद पर देखते रहते और फिर नींद आती तो हम सो जाते जब सर्दी लगती तो पापा को कहते कि पापा कब दिन उगेगा और कब सुबह होगी सर्दी लग रही है तो पापा कहते बोले बेटा जब ये हिरनी यहाँ आ जाएगी ये कृषि यहाँ आ जाएगी और दो चार तारों का नाम लेते थे तब बोले दिन उग जाएगा तो मैंने कहा वो तारा तेज जा रहा है वो तो उस अब दिन जल्दी उग जाएगा बोले बेटा वो तारा नहीं है वो चील गाड़ी है मैंने कहा ये चील गाड़ी क्या होती है बोले बेटा चील गाड़ी होती है एक देश से दूसरे देश में लोगों को लेके जाती है तो ये चील गाड़ी बोलते हैं इसको तो मैंने कहा अभी ये दिन नहीं उगाएगी बोले ये दिन नहीं उगाती ये मेहमानों को लेके जाती है इधर के उधर तो वो चील गाड़ी हम तारों में देखते थे और सर्दी में और नींद में और भूख में उसको देख के और हमारी भूख बग जाती थी और नींद उड़ जाती थी वो देखते थे और पीछा से मुझे मौका मिला चील गाड़ी में बैठने का लेकिन जो जो चील गाड़ी के सपने दिखाते थे वो जाने से एक रोज़ पहले मेरे पापा नहीं रहे और वो गुजर गए थे पर जब मैं चील गाड़ी में मैं बैठी तो बस मैंने वो पापा को और उसको वो सारे समय को मैं साथ लेके गई कि मेरी माँ ने कहा कि बेटा मैं दिल्ली गई हुई थी वापस मुझे बुलाया कि आपको समाज के लोग बुला रहे हैं यहाँ आके मुझे बताया कि मेरे पापा नहीं रहे और वो चले गए तो मैं चार दो तीन घंटे बेहोश पड़ी रही फिर उसके बाद में जब मेरे को होश में लेके आए मेरे पापा ही आए मेरे सपने में कहा कि बोले बेटा आपको तो चील गाड़ी में बैठना है जाना नहीं है क्या तुम तो एकदम खड़ी हुई मेरे कहा माँ पापा कहीं नहीं गए पापा यहीं है देखो बीबी मेरे को चील गाड़ी में बैठने के लिए बोला मेरी माँ रोने लगी कही कि नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं पर फिर मेरी माँ को मैंने हिम्मत बनाई देखो माँ पापा सिर्फ आंखों से उजल हुआ है दिल से तो नहीं ना मेरा उनका शरीर है देखो बनाया हुआ और पापा की आत्मा और पापा की ममता सारी कुछ मेरे साथ है देखो अभी भी बोल के गए मुझे तो मुझे जाना तो मैं चली गई थी बस मैं अकेले सफर नहीं कर रही थी उस चील गाड़ी में मेरे पापा और हम दोनों सफर कर रहे थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे कि देख पापा जो चील गाड़ी को आप दिखाते थे और सर्दी को दूर करते थे भूख को दूर करते थे रात को छोटा करते थे और वो चील गाड़ी में आज अपन दोनों बैठ के जा रहे थे मेरे पापा मेरी ममता में साथ में थे और मेरे ड्रीम में साथ थे और मेरे आत्मा में मेरे पापा मेरे साथ थे तो हवाई जहाज में जब आप चील गाड़ी में जब आप पहली बार बैठे तो आपको कैसा महसूस हो रहा था मैं वो अच्छा लग रहा था कि एकदम मतलब आदमी वैसे तो मैं खूब हवा उड़ती हूँ पेड़ों में पे भी बहुत चढ़ती थी मैं और खूब लड़ाई झगड़े करती थी पेड़ पे किसी बच्चे को मार के पेड़ पे चढ़ जाती थी आ, और किसी को भी मतलब कुछ भी बहुत बदमाश टाइप में थी जंगल में रहते थे हम लोग तो हाथ नहीं आती थी, थी दौड़ भाग में किसी के हाथ नहीं आती थी, थी लेकिन जब एक चील गाड़ी बैठ के जब वो चील गाड़ी जब उड़ के जब जंपिंग लिया ऊपर जब उड़ी ना तो खले जा हवा की हवा में रह गए मैंने कहा तो ये तो एक अलग ही चीज है अपन यहाँ से नीचे भी नहीं कूद सकते और अब जाएंगे तो अपन जाएंगे कहाँ तो उसको जो बेल्ट बांधा था बोले इसको बांध लो कस के मैंने कहा इससे क्या होगा मैं तो बदमाश टाइप में थी, खोल दिया उसके बेल्ट को मैंने कौन इसको लेकिन जब उड़ी ना तब तो एकदम डर लगा तो उस बेल्ट को ढूंढते ढूंढते रहेगी कहा वो तो कहाँ गया वो मिला भी नहीं मुझे और ऐसे करके बैठ गई तो एक डर लग रहा था उस टाइम में बहुत ज्यादा लेकिन अच्छा भी लग रहा था कि झूले में जैसे कोई आदमी झूल रहा है अप डाउन अप डाउन हो रहा था तो फिर मैंने कहा भाई तू बस कर अब क्या को अप डाउन कर रहा है बस कर जो क्योंकि जब डोलर हिंडे चलते थे ना फिर लकड़ी के तो वो जो चढ़ चूँ चढ़ चूँ बोलता था और वो यूँ जाके ऊपर यूँ आता था तो कलेज में एकदम शीशे सी चलती थी तो उस तरीके से वो सीश सी गा रही थी कलेज में यूँ बिल्कुल मैंने कहा भाई वो झूले वाले आवाज़ से रोक देता तू अब तो रोक दे भाई बारह घंटे हो गए यार लटके हुए बारह घंटे हो गए अब तो रोक रोका ही नहीं उसने खाना ही नहीं खाने दिया खाना खाए तो हिल के जाए मैंने कहा अरे ये है एक अच्छी चीज़ है खाना ही नहीं खा पा रहे तो मैं मेरी मेरे पास मेरी सहेली थी साथ मेरी बहन जैसी थी उसको मैं हम लोग साथ गए मैं कह रही मुझे हमारी भाषा में कह रही मैंने कहा दारी ये कौन सी गाड़ी है खाने ही कौन खावा दे रही रोटी नहीं खावा दे रही वो कभी अटने जा रहे हो खानो कभी अठने जा रहे हो खाओ बोला अब बेल्ट से बंद जा तो मैंने कैसे बंदू मार तो बेल्ट पता नहीं कटे गए और आम जाने तो बस इस तरीके से हम लोग बातें करते करते पहुँच गए और वहाँ जाने के बाद तो फिर खूब मजा आते थे पूरे दिन नाचते थे सुबह से शाम तक और बस बयालीस कलाकारों में एक ही थी डांसर तो बस पूरे दिन स्टेज पर नाचती रहती चंग बजाती रहती गाती रहती आठ घंटे मेरे को करना पड़ता था लेकिन जब जब एक घंटा मुझे मिलता था खाने के लिए कि आपको लंच लेना है तो मैं वो खाना खाने नहीं जाती क्योंकि पापा की याद आती थी खाना खाने नहीं जाती थी बस फिर मैं आ, वो बच्चे जो आते थे स्कूल के बच्चे उनको मैं डांस सिखाती थी वहाँ पे जी आप पहली बार आपने विदेश यात्रा कहाँ की की थी वो अनुभव कैसा रहा और एक जो फ्रांस के अंदर जो एक आपके बारे में कहानी है कि कुछ फ्यूजन उन्होंने किया था डांस और फ्रांसीसी को शैली का उसके बारे में थोड़ा बताइए क्या कैसा अनुभव था वो आपका मैं जैसे आप कह सकते हैं कि मेरे तीन घर हो सकते हैं कि एक मेरा राजस्थान में है एक मेरा फ्रांस में है और एक मेरे डेनमार्क में है तो एक डेनमार्क की जो डेनिश लड़की थी वो मुझे लेके गई थी और वहाँ पे मेरी बहन ही बन गई वो और उस तरीके से मैं डेनमार्क जाती हूँ साल में हर तीन महीने के लिए और फ्रांस में अमेरिका जब मैं पहली बार गई थी तो मुझे अच्छा लगा और बहुत बढ़िया लगा सब लोगों ने मुझे पूछा मीडिया ने पूछा वापिस आए तो बोला कौन सा देश आपके लिए अच्छा है आ, तो मैंने सबसे पहले यही कहा कि मेरे को सबसे अच्छा जो देश है सबसे बढ़िया देश है और सबसे सुकून वाला देश है, वो मेरा देश है क्योंकि मेरे देश में मैं आई वापिस और मेरे देश में मैं रहती लग 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 बाकी सारी भाग है सब फास्ट जमाना फास्ट लोग हैं सब कुछ है लेकिन जहाँ से मैं जन्मी जहाँ मैं वापस आई एक सपना था मेरे लिए दो महीने पाँच दिन का कि मेरी आंख बंद थी मैं अमेरिका में घूम रही थी जब आंख खुली तो मैं तमुरे में पाई अपना आपको तो वो मेरे लिए सपना था लेकिन मैं इस सपने को सपना समझ के नहीं रखना है मेरे को इसको हकीकत करके और मेरे को पूरी दुनिया में इसको फैलाना है कि मैं ही नहीं जाऊँगी और भी कोई लड़कियाँ जाएगी और फ्रांस में मैं तो बस खाली यूं ही मेरे को किसी ने बुलाया था कि आपको पेरिस आना है और डांस करना है लेकिन हम लोग हमारे पास इतने पैसे नहीं वो मेरे को डेनमार्क में मिला था कि गुलाबो तेरे को बोला पेरिस बुलाऊँ तो बोला मैं दस साल से यहाँ रहता हूँ लेकिन मेरा नहीं तो घर बना अभी तक नहीं मेरे से शादी कोई करी लड़कियाँ शादी की यूँ चाहे घूम लो फिर लेकिन शादी के लिए कहते है वो फ्रेंच लड़कियाँ भाग जाती है तो मैंने कहा भैया आपकी शादी भी हो जाएगी तो बोला तू क्या माता रानी जो बोल रही मैंने कहा हो जाएगी देखना शादी हो जाएगी तो मैंने कहा देखना शादी होगी तो तुम मेरे को बुलाओगे फ्रांस में सबसे पहले तो वो कलाकार है वो लक्ष्मी शंकर जी के साथ बजाने के लिए आए थे उनका नाम हामिद खान जी हैं तो बोला ठीक है देख लेगा के बोले मैं थोड़ा बुलाई से सबसे ज़्यादा मैंने कहा ठीक है आप मेरे को आप भी बुलाओगे देखना तो कुदरती उनको वापस गए जिस लड़की के साथ में उनका चक्कर था वो उन्हीं से शादी हो गई मारे वेल उनका नाम था और उन्होंने उस उस टाइम पे तो कोई टेलीफोन वगैरह तो होते नहीं थे तो उन्होंने एक चिट्ठी भेजी उनके खुद के घर पर कि गुलाबी नाम की लड़की जो अमेरिका जाके ये अमेरिका के नाम से जानते थे मेरे को पहले कि अमेरिका जाके आई और पहले सबसे पहले मुझे जो छोटी सी थी मुझे डफली वाली के नाम से जानते थे क्योंकि मैं डफली पे नाचती थी गाना गा के तो उसके बाद वो कहा कि अमेरिका जाके आई ना वो गुलाबी बोला सपेरों की लड़की उसको जाके बोला कि तेरे को पेरिस बुला रहे हैं तो वो चिट्ठी आई थी उनके घर पे तो उनका भाई लेके आया कि बोला भाई तेरे को मेरा भाई बुला रहा है पेरिस में तो मैंने सबसे पहले ये कहा मैंने कहा शादी होगी क्या उनकी बोला हाँ शादी हो गई तो मैंने कहा ठीक है फिर तो मैं जाऊँगी तो इस तरीके से सबसे पहले मैं फ्रांस गई फिर वो तबला मतलब अकेले को जाना पड़ेगा मैंने कहा भाई जब तक तो, तो देख साल भर का गेप आ गया मेरे बेटा हो गया अब मैं बगैर बेटे के तो जाऊंगी ही नहीं वहाँ पे तो मेरा लड़का था चार महीने का भवानी उसके मैं साथ लेके गई वो बीन वाला कोई साथ नहीं गया तो वो हारमोनियम पे और उस पर सारंगी पे इस तरीके से हम लोग मिल के प्रोग्राम बजाया फिर वहाँ पे एक चेरी रोबिन के नाम से वो गिटार बजाते हैं वो देखा डांस तो मैं तो मेरे ऑलमोस्ट मैं तो मेरे डांस कर रही हूँ भवाई कर रही हूँ घूमर कर रही हूँ सपरा कर रही हूँ हरियाणवी डांस कर रही हूँ करती रह रही हूँ वो अपने दो बच्चों के साथ आए और अपनी बीबी के साथ वो देखने के लिए आए उन्हीं के गाँव में हमारा डांस हुआ तो वो चेरी और हमीद जी ये सबसे पहले वो गिटार और तबले का उनका जुगलबंदी चलती रहती थी प्रोग्राम करते रहते थे वो लोग पहले तो उन्होंने कहा कि मैं एक लड़की लेके आई आयू देख बहुत अच्छी नाचती तुम देखने के लिए आना वो आए वो बेचारा बेटा देखने के लिए वो बेटा की बैठा ही रह गया वो डांस कब खत्म हो गया उसको पता ही नहीं उसकी औरत कहती भाई जगो कहाँ गए तुम <laughs> बोले डांस तो खत्म हो गया वो डांसर भी गई कलाकार भी गए तुम कहाँ हो बोले नहीं नहीं मैंने तो देवी को देखा है बोले डांसर को नहीं मैंने देवी को देखा वो देवी है कहाँ तो बोला वो पीछे ग्रीन रूम में वहां आके मेरे पांव छुए और उसने एकदम सिर जमीन पर लगा के पाँव में लगा के धोख ली मैंने कहा भाई तू भाई अंग्रेज पहला है जो मेरे पाओ मैं धोखा रहा है मेरे बाप क्या बात हो गई तो वो फिर फ्रेंच में उनसे बात करी कि बोले नहीं मैंने एक देवी के दर्शन किए इसमें और देवी है ये तो वो आज भी मेरे को देवी बोलता और उस टाइम भी मेरे को देवी बोला उसने तो कहा कि बोला मैं इनके साथ में एक बार गिटार बजाना चाहता हूँ तो इस तरीके से फिर मैं तो आ गई थी दो तीन प्रोग्राम बजा के फिर उन्होंने एक सीढ़ी भेजी मेरे को कि बोले छोरी आ गिटार है ये पे बोले तुमने गानों गाना और डांस भी करना है तो बोले तू कर लेगी मैंने कहा हाँ मैं कर लूंगा तो वो जो अमित जी थे वो तो क्लासिकल वो तो मेरा सी तो सोचा गया यार या तो ये छोरी पागल है या फिर इसको बहुत अपना आप पर बहुत विश्वास है बोले गिटार पर तबले पर कैसे नाचेंगी या कहीं बोला हाँ मैं तो नाच लूंगी तो बोले इतना विश्वास तेरे को अपना आप मेरे मैंने भाई नाचना ही तो है तू ताली बजा ले तो भी मैं नाच लूंगी नाचने में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर मेरे को क्लासिकल के तोड़े थोड़े ना तोड़ना ही यहाँ फोक डांस से कर लूंगी मेरा मेरा डांस है किस पे भी करूँ बोले भाई ठीक है तेरी हिम्मत को देखते हैं तो मैं मेरे चली गई मेरे को बुला लिया तो वो गिटार बजाया और वो तबला बजाया और मैं मेरे गाना गा के और डांस कर ली और ऐसे करते 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 91 की बात है और ऐसे करते करते हमारा तो 92 में तो मेरा बहुत बड़ा एक एल्बम बना जिसमें मैंने पुंदला गाना गाया जिसको पाँच स्टार मिले और वो बहुत दुनिया में फेमस अभी वो चल रहा है इतने सालों के बाद अब जाके बहुत हाईलाइट हो रहा है इंडिया में पुंदला तो वो और एक गाना दूसरा हुलरे नान्या मैंने गाया था तो कसूर खान गाया था उसमें तो उसको पाँच स्टार मिले और फिर हम भी देखा बोले आ रही है। तो सिंगर भी है बोले मैं क्यों नहीं गवाऊँ हमारे छोर ने बोला मैं मेरे समाज की मेरे यहाँ जयपुर की है बोले मैं नहीं तो बुलवाया बोला फ्रेंच लोग ये सीडी बना ली मैं तो बनाया ही नहीं बोले बोला अभी तू मेरा भी एल्बम बनाएगी मैंने कहा भाई मैं देख सिंगर नहीं हूँ मैं मेरे ट्रेडिशनल गाने गाती हूँ और मेरा ललड़पुन से गाती हूँ देख बोले तू कैसे भी गा मेरी माँ कैमरे बस बैठ जा तू माइक के सामने तू गाती रही मैं मेरे बच्चे को दूध पिलाती रही भवानी को गोद में लेकर मैं मेरा जैसा गाना आया वैसे मैं गाती रही गाती रही एक एल्बम उनका बन गया एक एल्बम उनका बन गया उनको पांच स्टार सेवन स्टार मिला उनको पांच स्टार मिला उनका बढ़िया भाई और मेरे क्या पता मैं मेरा गा गो के आ गई वापिस फिर इस तरीके से वो मेरे को हर महीने में दो तीन बार बुलाते रहे करते रहे करते रहे फिर इक, अभी दो हजार में जब मेरे रूपा हो गई थी तब मेरे एल्बम बनाई एक और जिससे तो मैंने चौदह गाने गाए उसको सेवन स्टार गोल्ड मिला और वो पूरी दुनिया में हिट गई वो सीडी मेरी और वो एक बिचू रैप मैंने उसमें गाया मैं तो पता नहीं नागर बामी रो बिचू माथे पे चढ़ गयो रे माथे पे चढ़ गयो रे चोटी पे चढ़ रे तो ऐसे गाते गाते मैं रो बारे बिछू खा गयो रे रो बारे दर्द हो ग्यो रो बे बिचू तिर रोबारे बिछू रो बनवारे बिचू तिर तो वो वो जो सामने बैठा था वो बचेरी उसने कहा कि बोला अरे ये तो बोला बोल भी सकती है बोले तू तो ऐसे की ऐसी रोती, रो, रोती, रोती रहे बोलती रहे रोती बोलती, <सल> रहे, बोलती रहे, ये कौन सा मतलब बोले नहीं 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 गाना गा के और बोला तू बोलती रहे और बोल और बोल फिर मेरे साथ बीन बजाने वाला गया हुआ था बोला तू तुम्हारा कोई झाड़ा होगा सांप बिछू तेरने का बोला है ना झाड़ा तो वो झाड़े बोलता गया और मैं मेरे रोती गई और बारे बारे करती गई और वो मतलब पूरा एक रैप जिसके बोलते हो आप मुझे पता ही नहीं कि रेप टेप क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं मैं तो मेरे गा गु के और मस्त मैंने कहा भाई खूब रोई वो हिट हुआ वो कंपटीशन में सारी सीढ़ियाँ इकट्ठी हुई फ्रांस में सारे लोग होते तो उसमें वो गाना मेरा तो अमेरिकन कंपनी थी उसने खरीद लिया बिछू रेप तो और वो सीढ़ी बहुत हिट हुई तो इस तरीके से मैं बहुत प्रोग्राम बजाया पूरे वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में हम लोग घूमे इंडिया में भी आए हैं साउथ अफ्रीका की पूरी चालीस की चालीस कंट्रियाँ उसमें मैं तीन महीने करके आई बॉम्बे में करके आई थी और सब जगह उस सी का प्रोग्राम हमने किया और 91 से लेकर आज तक हम लोग जुड़े हुए हैं तो बस वो वो अभी मैं जब देखती हूँ हम लोग फ्यूजन कर रहे हैं जिसमें क्या बिठाते हैं वो एक गिटार वाला एक तबले वाला एक वो कोई नगाड़े वाला बैठा है एक कोई गा रहा है ये क्या कर रहा है बोले ये हम फ्यूजन कर रहे हैं मैंने कहा फ्यूजन नहीं है कंफ्यूजन कर रहे हो आप फ्यूजन <laughs> तो मैं करिए फ्यूजन तो मेरे कहा मैं करके आई यार फिर वो क्या था जो मैं करती थी वहां पे वो क्या था मैंने कहा मैं तो राजस्थानी गाती थी राजस्थानी कपड़े राजस्थानी डांस और वो गिटार थी और वो रिकॉर्डिंग थी और वो उधर भू था और दो तीन ब्राज़ील के थे और मैं इंडिया से थी कोई फ्रांस से था कोई स्पेन से था तो मेरे कहा वो थे हम लोग तो मेरे कहा वो फ्यूजन था मेरे ये क्या है ये फ्यूजन है तो वो क्या था तो वो कहते बोले वो भी फ्यूजन था ये भी मेरे का नहीं वो असली फ्यूजन था ये कंफ्यूजन है तुम यहाँ कंफ्यूजन कर लो <laughs> तो, तो इस तरीके से चलता रहा भाई मेरे फ्रांस का सफर ये बहुत ही खूबसूरत मैम इतनी कंट्रीज का आपने सफर किया तो आप अपनी सादगी आपने अपने पहनावे को हमेशा कायम रखा बखूबी से निभाया तो कभी इच्छा नहीं है कि अपने आप को मॉडर्न किया जाए <laughs> मॉडर्न तो सभी है एक मैं ही तो हूँ जो मेरे ट्रेडिशनल को रखा हुआ मॉडर्न तो सभी रहते हैं और बचपन से अपन बच्चों को पहनाते ही हैं। कपड़े मॉडर्न पहनाते हैं राजस्थानी पहनाते हैं एक पर हमारे एक से ट्रेडिशनल है जिसमें हम लोग राजपूती और ये हमारे जो कालबिल जो सपेरों के ड्रेस है ये पहनते हैं अगर हम भी मॉडर्न हो गए तो उन मॉडर्नों का क्या होगा जब हम मॉडर्न बन गए तो फिर तो पहनाती हूँ और, मेरे, मेरे और ये तो अक्सर मैं पहनाती हूँ मेरे रंग में आना होगा वो तो शौक से आती है बोला हम आपके जैसा ही बनना चाहते है लेकिन पता नहीं वो कौन सा जन्म होगा हमारा जो हम आपके जैसे बनेंगे लेकिन हम आपका नाम हमारी बेटी को देना चाहते जो भी उनकी बेटियां होती है रोज रखती है या फिर गुलाब नाम रखती है वो और सरने में सपेरा रखती है सारी आज हजारों लड़कियां सब सपेरा नाम रखती है मैडम आपने ना ना सिर्फ अपने समाज का बल्कि हिंदुस्तान का भी नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है आज हर कोई किसी भी देश में आप देखिए हर कोई आपको जानता है लेकिन जब आप भारत से जब बाहर निकले तो भारत में तो हिंदी बोलना हिंदी राजस्थानी लैंग्वेज जो अपनी भाषा है वो आप बहुत अच्छे से बोलती हैं लेकिन जब बाहर गई वहां पे ये समझ पाना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है तो वहां पे अंग्रेजी का जब सामना हुआ आपसे तो वो क्या किस्सा रहा वो कोई ऐसा किस्सा हो आपका अब हमारे लिए तो काले अक्सर भैंस बरोबर देखो पहले बात तो पढ़ी लिखी नहीं ऊपर से जब वो गिटर पिटर बोलते तो समझ में नहीं आता तो जब अमेरिका हम अम लोग गए सबसे पहले अमेरिका गए थे तो यहाँ पे हमारे वो ये कहते थे कि बोले तुम्हारे को अंग्रेजी में कोई बात करे तो तुम लोग क्या बोलोगे मेरे का भाई क्या बोलेंगे हमारी भाषा ही तो बोलेंगे हम क्या बोलेंगे तो कहते बोले नहीं आपको ये स्नो में जवाब देना है मैंने कहा वो ये पता नहीं अभी ये स्नो में तो चाहे वो रोटी खाने के लिए कह रहा हो हम नो बोल दिया तो भूखे मर जाएंगे मैंने कहा नाम ये स्नो में कहीं जवाब दे सकते पूरी चीज़ बताओ हमारे को कि वो यहाँ पे ये स्नो करके छोड़ दिया कि ये स्नो में जवाब देना आपको मैंने कहा तो भाई और का वो धक्का मार रहा ना हमें कह देंगे ये तो मेरे कहा गे वो मिलने के नीचे तो बोले ऐसे नहीं है पागल जब आपको कोई अगर कोई चीज लेनी है तो आप कह ये नहीं लेनी तो कह दो नो मैंने कहा तो ये सुना अमेरिका से सीख के आ गई थी इतना तो और उसके तो सेवन तो में, में तो में डेनिस लड़की आई थी उसके साथ जो बैठती थी मैं उसको तो हिंदी नहीं आए मुझे इंग्लिश नहीं आए और उसको तीन महीने का वीजा लेके वो यहाँ आ गई मेरी फोटो देख के, के तू तो मेरी जुड़वा बहन है तेरे को तो मैं साथ रखूंगी मैं तेरे साथ रहूंगी तो मैंने कहा आ जा भाई डेरे में तो डेरे में रहती थी मैं मैंने कहा सो सोजा यहाँ पे तम्बू डेरे में जंगल चले तो मैंने कहा चल लोटा भर ले चलते हैं जंगल में तो इस तरीके से उसको जंगल में घुमाती थी मैं पहला पहला मेरी लाइफ की पहला स्टूडेंट भी समझो उसके और पहला मेरी एक बहन भी समझो जिसको तो वो डैनी सड़की उला रीना उला नाम था उसका रीना मैंने उसका नाम रखा तो हम लोग दोनों मजे लेते जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं बैठी रहती वो देखती रहती मेरे को तो मेरे कहा यार तो कुछ तो इसको बताएं मेरे कहा ये बना रही है ना इसको रोटी बोलते हैं तो वो कहती ये चपाती है अच्छा मेरे चपाती अच्छा मेरे मैं फिर वो इधर मशीन मेरी रिकॉर्ड चालू था मैंने कहा इसको चपाती बोलते हैं कभी फंस जाएंगे तो चपाती तो मांग लेंगे फिर छेलते छेलते मैं लसन छिलते छिलते मेरे को बोलती है लसन है वो कहती बोले नहीं ये गा, गालिक गालिक अच्छा मेरे का हमारे गाड़ी निकालते हैं उसको गालिक बोलते हैं बोले ये गालिक है तो मिर्ची पीसती मैं कहती मैं कहीं ये मिर्ची बोले ये चीली हाँ तो इस तरीके से वो सारी चीजें मैंने एक, एक एक मेरे रोटी बनाते समय तो मैं वो चीजें सीख लेती थी, थी उनसे रास्ते में चलते एक बार मैं वापस उसी के साथ जा रही थी प्लेन में बैठ के तो वो कहती बोलो बोले ओ टू मच क्लाउड मैंने कहा ये क्या होता है भाई फिर क्लाउड क्या होता है तो? और बोले सुनो 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 मैं कह रही ये सुनो सुनो कहे मैं सुन रही हूँ ना मैं अरे कहीं बोल रही है हाँ सुनो सुनो क्या है? बोल रही हूँ मैं बोले नीचे देख प्लेन के नीचे बोले नीचे देख टू मच स्नो ओ हो मेरे को बर्फ़ ने बता रही यार बर्फ़ ने बर्फ़ ने मेरे को आज सनो बोल रही है मेरे को भाई यार ठीक है सनो ठीक है बर्फ़ तो इस तरीके से बस साहब मैं तो एक 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 सबक सीखे और आज मैं उन्हीं के साथ में बहुत अच्छी बात भी कर लेती हूँ और उनको मैं निभा भी लेती हूँ और बस वो मुझे निभा लेते मैं उसको निमा लेती मेरा मतलब होता ना कि इस गेट में से कैसे निकलना है तो पतली गली से कैसे निकलना आज मैं चौड़ी गली से होकर निकल जाती हूँ કે મેરે કો પતની ગલી સે નીકળના આ જા તું મે બોલ લેતી એક બાર 93 કી વાત હે મેરા સાબકા એક્સિડન્ટ હો ગયા હે તો મે વોય હમે જિનકા નામ લેયા થા મેને ઉનકે સાથ ચાલી ગઈ મે પ્રોગ્રામ મે તો મેરે કો 5 જૂન કી વાત હે તો વો પ્રોગ્રામ বজવાયા ઉનહોને માપે સુવિઝરલેન્ડ મે પ્રોગ્રામ થા મેરા તો 12 તારીખે પ્રોગ્રામ થા સાબકા એક્સિડન્ટ મેરે કો છોડકે એરપોર્ટ ઉસકે ઉસી રાત હો ગયા થા तो मेरे को बताया नहीं उसने तो प्रोग्राम बजाया बारह तेरह जून का फिर उसने बताया रात की दो बजे कि बोले गुलाबी रोना मत यहाँ अलाउ नहीं है पुलिस आ जाती है तो तेरे जिस रोज तू आई थी उस रोज वापिस जब तेरा आदमी जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया ट्रक से तो मैं तो छोटी थी उस टाइम पर मैंने कहा मेरा आदमी का एक्सीडेंट ट्रक से हुआ तो वो कैसे मचे होंगे तो मैं रोने लगी जोर से तो बोला रोना अलाउ नहीं बोले यहाँ पुलिस आ जाएगी तो मैंने कहा पुलिस आएगी तो उसको मैं बोलूंगी ना मेरा आदमी का एक्सीडेंट हुआ इसलिए रो रही हूँ तो वो पागल पुलिस वाला वो रोने भी नहीं देंगे तो रात भर मैं रोती रही और सुबह उनकी टिकट वो तो पेरिस जाने वाले थे मेरे को डेनमार्क आना था क्योंकि मैं डेनमार्क गई हुई थी उस टाइम पे तो मेरे तीनों बच्चे डेनमार्क और वो पैरिस चले गए मैं स्विट्जरलैंड फंसी पड़ी तो उसने बोला मेरे को टिकट खरीद के बोले जनेवा वाली ट्रेन में बैठ जाना वो सीधा एयरपोर्ट पर ले जा छोड़ देगी तेरे को जनेवा से एयरपोर्ट तेरा डेनमार्क के लिए अब रो रो के तो आंखें ये सूझ रही मेरी सुबह मेरे को टिकट थमा के चला गया कि बोला तू बैठ जाना वो तो ट्रेन आई उनके पेरिस के चले गए अब मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ यार अब मैं तो वो टिकट को देख के दी पल्टियाँ खिला रही मैंने कहा अब देखो इसको है कहाँ क्या है अब समझ में नहीं आया कुछ मैंने कहा यार अब ए बी सी डी मैंने उसके पास सीखी थी मेरी वो अंग्रेजी नहीं उसके पास ओला के पास मैंने कहा यार ए बी सी डी सीखी थी तो आ, वो जनेवा के लिए बोल के गया और इस टिकट में भी जी लिखा हुआ है तो मैंने कहा इसको पूछती हूँ किसी को भाई कि जनेवा की वो कहाँ से मिलेगी ट्रेन मेरे को तो मैंने उसको पूछा एक पुलिस वाला खड़ा है वो फ्रेंच है बोलते हैं स्लू पे एक्सक्यूज मी को स्लू प्ले बोलते हैं तो मैंने उनको बोला मैंने कहा स्लूप प्ले प्लीज तो उसने बोला ये चीज़ मैंने कहा मदद कर दे रहा कंजर मारे तो उसने बोला बोला हाँ ओ ये चीज़ तो बोले जनेवा बोला, बोला पाँच लाइन के बाद बोला उधर जा पाँच वो लाइन डाकेगी वो पाँच नंबर पर चली जाए गिनते गिनते मैंने कहा एक लाइन गई दो गई तीन गई चार गई पांच लाइन पे जाके खड़ी तो हो गई मैंने कहा हाँ ये जनेवा लिखा हुआ मैंने कहा बेटो कौन सी ट्रेन में, एक -एक में ट्रेन जा रही सट 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 सट, सट में ट्रेने जा रही है अब, अब मैं बैठूंगी कैसे कौन सी ट्रेन में बैठ के जाऊं तो मैंने कहा अब जी जिसमें लिखा हुआ आएगा गुलाबी तो, तो, तो उसी में बैठ जा भूल गई सब कुछ जो भी रोना मरना सारा मैंने कहा वो दिमाग पे लट आके गिरा मैंने कहा आदि मेरा इधर हॉस्पिटल में मेरे बच्चे डेनमार्क और मैं यहाँ जनेवा स्विट्जरलैंड में खड़ी बस ट्रेन स्टेशन पे एक ट्रेन आई जिसपे जनेवा लिखा हुआ था मैंने कहा हाँ इसी में बैठ जा तो। जी जी वो जी से जनेवा मैंने कहा हाँ जी से जनेवा जी से जनेवा देख के उसमें बैठ गई मैं और मेरी तुक्का बंदी बिल्कुल सही गई मैं सही जगह जाके बैठ गई तो उसमें लाइने चलती रहती है दो दो मिनट में वो आते स्टेशन आते रहते हैं मैंने कहा कौन से स्टेशन पे उतरना है ये क्या देखूं ट्रेन उसमें देखा मैंने कहा हाँ जी से जहां पे भी वो लाइट जो आएगी ना रेल लाइट वो जीप आएगी तो मैं वहीं उतर जाऊंगी बस वो लाइट मेरी बचाई आंखें थक गई वो 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 गनी बाइक की जैसे वो आंखें बंद खुली रही है मेरी खुली रही तो आंखें बंद भाई। नहीं करनी है नहीं तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगी तू वो आंखें खुली रही खुली रही जी आया वह वहाँ पे मैं उतर गई और सीधे एयरपोर्ट के अंदर ही जाके उतरी मेरे कहा बढ़िया रहा भाई सब सही जगह पहुँच गई तो इस तरीके से कई की जो ए बी सी डी सीखी हुई या फिर कोई तुक्काबंदी नहीं काम आ ही जाती है अपने तो बस जी से जनेवा जनेवा से सीधे डेनमार्क की प्लेन पकड़ी और मैं वहां गई। गुलाबो जी आ, आप अपने साथ एक पर्स रखते हैं तो आप उसमें ऐसा क्या रखते हैं, जिसको हमेशा आप अपने साथ ही रखते हैं है। <laughs> आपने हिम्मत करी सबसे पहले पूछने की लास्ट में किसने नहीं पूछ इस बिग पर्स की वजह से मैं बिग बॉस के घर छोड़ के वापिस आ गई अच्छा पता है आपको मैंने उनको काम रखा का मेरा मेरे पर्स लाने दो सर बोले नहीं बोला वो कोई भी चीज़ अलाउ नहीं सिर्फ आप जाएंगे जो कपड़े पहन रखे कपड़े भी हम बाद में भेजेंगे अच्छा। जो ड्रेस पहन के जा रहे हो वो ही जाओगे उन्होंने <laughs> कहा भैया मेरी पर्स दे दे बोले नहीं नहीं दिया उन्होंने बाद में मैं मेरे बच्चों की पाँच फोटो थी वो निकाली मैंने मेरी माता की फ़ोटो निकाल के और मैंने उनको दे दी और मैंने कहा तुम ले जाओ इसको और मैं मेरे बच्चों की फ़ोटो लगा के रखी मैं मैंने बाद में मैंने बोल दिया मैंने कहा मेरे को घर जाना है और मेरे को वहाँ बस हो गया वो तो पर्स की यही है कि मेरा हमेशा जैसे कहते हैं ना किसी को आप कहते हो कि कोई अपना अपना आपका साथी है जो हमेशा साथ रहता है आपके और उसमें चाहे वो कोई भी नहीं हो चाहे वो पति हो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो चाहे माँ हो चाहे बाप हो या फिर पति हो चाहे अर्धांगनी हो वो हमेशा आप फील करते हैं उनको और वो मेरा पर्स ऐसा है जिसको मैंने हमेशा बचपन से मुझे शौक़ था जब मैं प्रोग्राम नहीं करती थी जब मैंने एक जैसे कहा आपने कहा ना कि आप कभी मॉडल नहीं बने क्या बनी थी मैं बचपन में एक फिल्म देख के आई थी मैंने मेरी काली ड्रेस बनाई बाबा रामदेवरा जा रहे थे मैंने ड्रेस बनाई फिर मैंने लाल सैंडल पहनी बाल खुले छोड़े यहाँ गुलाब का फूल लगाया और मैंने कहा लड़कियाँ पर्स रखती एक मैंने पर्स रखा और उसके अंदर मेरी लाली और काजल बिंदी रखी उसके मैं पर्स उस खाक में डाला और फिर ऐसे लगी थी मैम वो पहन के मैं बाबा रामदेवरा गई थी और वो रामदेवराज से हम लोग वापस आए तो वहाँ पे मेरी फोटो बनी थी सब ऐसे वो डपली हाथ में लेके गए रीना राय आ गई रीना राय आ गई सब वो वो काली ड्रेस में बड़ी बड़ी फोटो पोस्टर बना बना के लगाए थे मेरे वहां पे तो वो बचपन से मेरे कंधे पे वो पर्स रहा है और वो अगर नहीं होता तो मैं एकदम ऐसे लगता कि मैं खाली खाली बैठी हूँ मेरे पास में कुछ है ही नहीं तो बस वो मेरा एक साथी है मेरी एक आत्मा का विश्वास है और मेरा एक हम है मेरा पर्स गुलाबू जी बिग बॉस का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बहुत अच्छा लगा सब लोगों से मिलके के वहाँ पर सब सेलिब्रिटी थे और चौदह हम लड़कियाँ थी तेरह और जो नंबर चौदह नंबर पे हमारे शक्ति कपूर साहब थे तो एक दो फिल्म हम पहले कर चुके थे उनके साथ में जवाला डाकू वगैरह जो फिल्म थी वो करी हमने साथ में और बहुत अच्छे सबके साथ में रहे और अच्छा लगा कि एक सेलिब्रिटी के साथ में भी मैं रह रही हूँ मैं तो उस टाइम पर डेनमार्क थी जब मेरे को बुलाया था कि आपको बिग बॉस में जाना तो मैं जानती भी नहीं थी कि बिग बॉस क्या होता है तो क्योंकि मेरे ज़्यादा फ्रांस में रहती थी मैं उस टाइम पे हफ्ते भर वहाँ हफ्ता या हफ्ते वहाँ हफ्ते यहाँ तो टेलीविजन देखने का मौका नहीं मिलता था तो पीछे से फ़ोन आया कि गुलाबो ओ वो उनको नंबर दो ओ उनको गुलाबो से बात करवाओ तो मेरे साहब ने कहा कि वो तो डेनमार्क गई भाई बोलो वहाँ का नंबर दे दो हम उनसे बात करेंगे बोला आप कौन बोल रहे हैं हम बिग बॉस से बोल रहे हैं बोले बिग बॉस से क्या क्या काम आपको बोलो उनको हम बिग बॉस में लेके आएंगे बोले बिग बॉस में भी नहीं बोला घर के मैंने बंद करो लगाई थे बोले नहीं नहीं लड़ाई झगड़ा चले बोले मैं कौन भेजू बड़ा को भेजू कौनों भेजूँ तो मना कर दिया उन्होंने फिर उनके बाद उन्होंने बोला बोले नहीं आप हमें उनका नंबर दो हम उनको समझा देंगे फिर उन, उन्होंने नंबर दिए मेरे साहब ने हम डेर मारक थे उस टाइम पे फिर उन्होंने फ़ोन किया तो मेरे को कहा तो मैंने कहा सर मैं इस चीज़ों को समझती नहीं हूँ मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मुझे खाना वाना कुछ बनाना नहीं आता आप तो खाना वाना बनवाते हो वहाँ पर और मैं नहीं जाऊंगी मेरे मैंने मना कर दिया तो मेरा बेटा राखी सुन रही थी पास में बोले माँ किसका फोन था मैंने कहा कोई बॉम्बे से फोन है वो कह रहे बिग बॉस में ले जाने के लिए तो बोले आपने क्या काम मैंने कहा मैंने तो मना कर दिए पर मैंने कहा उन्होंने फोन वापस करेंगे शाम को कहा आप सोच के बता देना बोले माँ अब फोन आए तो हमें दे देना फोन आप मत करना बात मत करना मैंने कहा ठीक है तुम कर लो उन्होंने कहा कि साहब आप तो पेपर तैयार करो माँ को तैयार हम करेंगे माँ की कमजोरी क्या है वो हम बता देंगे हाँ हमें पता है बोले ठीक है वो पेपर तैयार किए उन्होंने कहा बोले माँ देख आज तक पांचवा सीजन है कोई राजस्थान से कोई सेलिब्रिटी नहीं गया पहला सेलिब्रिटी होगी आप राजस्थान की जो आ जाएंगी तो क्या आप राजस्थान का नाम नहीं करेंगे आप जाने से राजस्थान का पूरे राजस्थान का नाम होगा पूरे देश का नाम होगा आप तो मा ऐसे हार मान के बैठ गए मैंने कहा हार मैंने आज तक ही नहीं मानी तो फिर पूछ जाओ बोले बिग बॉस में नहीं मानी तो आप जाओ फिर जाओ फिर राजस्थान का नाम का सवाल जहाँ आया तो मैंने कहा चलो ठीक है चले गई भाई मैंने बोला देखो मेरे को खाना नहीं फिर भी मेरे को बिग बॉस ने खाने की ड्यूटी लगाई बोले खाना ही बनाना आप कह रहे सर नहीं आता मुझे खाना बनाना मेरा सांप बना के खिलाता मुझे तो खाना बोला नहीं आप तो खाना बनाओ मैंने कहा हाँ ठीक है बना देती हूँ इतनी सारी मिर्चें ठोक दी उसमें बिग बॉस चाहते थे कि मर्चें पर मैंने वो खा के देखा मैंने कहा अरे बच्चियां बेचारी कैसे मिर्ची खाएगी ये तो मिर्ची लग जाएगी बहुत तेज इनको तो फिर मैंने उनमें दही डाल दी और बिग बॉस चाहते थे कि मैं मिर्ची खिलाऊँ उनको सबको और लड़ाई झगड़े हुआ पर लेकिन मैं मेरी बेटी ने मेरी कहते ना कि कोई माँ गुरु होती है लेकिन मेरी बेटी को मैं गुरु मानती हूँ मेरी बेटी मेरे को बहुत सपोर्ट करती है बहुत टेक केयर रखती है और वो बहुत चीज़ का ध्यान रखती है वो मेरे काबिल काबुल माँ देख आपको लड़ाई झगड़े नहीं करना और पता है आप राजस्थानी है अपन अपने पर आ जाए तो फिर किसी को निकाल के देने वाले नहीं है वैसे अपन लड़ते मरते नहीं हैं लेकिन अगर आ गए तो फिर किससे कम भी नहीं पड़ते तो हम जानते हैं हमारी माँ को वो लड़ाई झगड़ा नहीं करती है लेकिन फिर भी आप कुछ मत बोलना लड़ाई झगड़े मत करना और सबसे प्यार से रहना मैंने कहा हाँ वो तो प्यार से तो रहूंगी मैं भाई मेरे से प्यार से रहेंगी तो मैं भी प्यार से रहूँगी मेरे से प्यार से नहीं रहेगी तो मैं क्यों रहूँगी प्यार से पर उन्होंने मेरे को प्यार से समझा के भेजा था तो वो सही सारी चीज़ें वहाँ आ गई मैंने कहा भाई प्यार से ही रहना अपने को तो बर्तन ही मांजने यहाँ पे तो और कुछ भी नहीं करना पूरे दिन तो मैं सबसे प्यार से रहती थी और गाना भी गाती थी डांस भी करती थी उनको सिखाती भी थी और सबसे प्यार से रहती थी मेरे को अच्छा लगता था यार अपन कब आएंगे वापस पता नहीं सेलिब्रिटियों के साथ में अच्छी लड़कियाँ बेचारी इतनी मेहनत करके आगे निकली अपने तो जीतेगा तो कोई एक ही और जीतने का कोई मेरा मन में था भी नहीं मेरे को तो यही था कि मैं राजस्थान को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ वहाँ पे मेरे समाज को मेरे को आज कल समाज की लड़की बिग बॉस में जाके आई हुई है बस इतना चाहिए था मुझे और वो हुआ और बिग बॉस को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे प्यार से रखा और मतलब आगे बढ़ाए बस सबसे बड़े धन्यवाद ये उनको कि मेरे को कोई पहचानता नहीं था फेस टू फेस लेकिन बिग बॉस में एक महीने रहने के बाद मेरे को तीन साल का बच्चा ही पहचान लेता कि ये वो ही गुलाब हो है बिग बॉस वाले तो चेहरे से पहचान हो गई मेरे काम धंधे में भी बहुत फर्क पड़ा कि प्रोग्राम भी अच्छा आने लगे और रेट भी बढ़ गई जैसे पद्मश्री मिलने के बाद में भी हमारे काफ़ी फायदा मिला कि एक कदम और आगे बढ़ने का मौका मिला तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है आप करते जाओ इस पर अपना आप भी देगा आपको लेकिन बस ये आप आज कर रहे हो तो आज उम्मीद मत करो आज जो कर रहे हैं वो आज के आज ही हम लोग को मिलना मिलना चाहिए और क्यों नहीं मिला वो ये कभी दिमाग को कि अपने इतनी मेहनत करिए अपनी कुछ नहीं मिला और क्यों नहीं मिला ये क्यों कभी नहीं आना चाहिए करते जाओ ना आप देगा ऊपर वाला तो वो सारी तो लिस्ट वो बना रहा है ऊपर वाला वो देगा अपना और कब देगा और क्या देगा और कैसा देगा वो तो ऊपर वाला डिसाइड करता है अपन थोड़ी ना डिसाइड करते हैं इससे आपकी लाइफ में आपके पति पत्नी में बीच में कभी ऐसा कभी हुआ है या दो चीज़े, एक चीज़े आपको, एक अच्छा आपके पति पत्नी के बीच झगड़ा है क्या में? में? लड़ाई नोग नोग. या क्या नोकझोंक और प्यार दोनों में दोनों एक एक वर्ड प्यार तो देखो नहीं पूछे प्यार तो अच्छी बात मेरे डांस किया है और वो मैं करती हूँ और मैं बहुत रेस्पेक्ट मेरा सबको को करती हूँ कि वो इस चीज़ की उम्मीद रखते नहीं हैं क्योंकि वो मेरे को मैं जब सात साल की थी तब वो, वो मेरे को देखते हुए पालते पोसते हुए बड़े करते करते वो आए हैं जब मैं सात साल की थी तब वो मिले थे मुझे एटी वन में और जब से वो देख रहे हैं पापा ने कितना मुझे सपोर्ट किया वो वो देख रहे हैं और पापा के बाद जब मैं टूट गई थी तब मेरे साहब के साथ मेरी सगाई हुई फिर मेरी शादी हुई तो वो ये देखते कि पापा ने कितना सपोर्ट किया तो वो कि वही वो जगह उन्होंने ले रखी है कि मैं बस पापा की जगह नहीं लेगा लेकिन मैं पापा जितना सपोर्ट मैं करूँगा तो आज मेरे पाँच बच्चे हैं और मैं हूँ हम छः बच्चे हैं उसके तो मैं आज मैं भी मैं उनको पापा ही बोलती हूँ तो मेरे मेरे पापा ने जितना मेरे को सपोर्ट किया उतना ही सपोर्ट उन्होंने किया हमारा लड़ाई झगड़ा कभी हुआ नहीं है क्योंकि मौका ही नहीं मिला लड़ाई झगड़े करने का क्योंकि मैं तो बाहर रहती हूँ आती जाती रहती हूँ और वो अपने काम में मस्त रहते हैं मेरे को सपोर्ट करते हैं कोई प्रोग्राम बुक करते हैं वो इधर उधर भेज देते हैं और बस उनको पता है कि बच्चे हैं और उनको आगे उनको पढ़ाना लिखाना है इनको बस फ्री रखना है कि इनको इनका नाम जिंदा रखना है और इनको आगे बढ़ना है तो हमारा यही काम है कि सलामदा वह होती पता आपको लड़ाई झगड़े से होती है हमारे काये रे काहे बस ठीक है अरे बाबू हाँ ठीक है ठीक आ रही हूँ बस ये हमारा प्यार है तो जब आप अगर उनको ये पूछोगे ना क्या आपके बोला आप रोटी क्यों बनाते हो या फिर आप बच्चों को क्यों पाल पोस के बड़ा किया या फिर आपने क्यों नहीं इनको कहा तो वो सब यही कहेगा ये तो माँ को प्यार चाहिए तो वो कह चुके पहले तो वैसे हमारा प्यार यही है मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम जैसे अभी आपने लड़ाई कायर रहे तो इस पे भी एक आप रैप बना सकते हैं हाँ हमारे यही होता है जब वो बोलते हैं ना प्यार से तो कभी बात नहीं करी मैंने आज तक ही नहीं करी बस यही होता है कि जो बोलते हैं वो तो बाबू खड़ा जा रहे मेरे को बाबू बोलते मेरी छोटी बहन का नाम बाबू था तो बाबू बोलते हैं मेरे को तो तुम्हें कहे आ रही हूं ना बस अच्छा मैम जैसे अभी आपने बताया कि आपको खाना वाना बिल्कुल बनाना नहीं आता तो घर में कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि बच्चों ने डिमांड करी हो कि मम्मी है ना ये कुछ बना दो तो आपने ऐसा मिर्ची छोक के बनाया हो कि बच्चों के कहाँ ही एकदम वैसे हो गए हो देखो मेरे को वैसे है ना हर माँ अपनी बेटी को कोई गुण सिखाती है और मेरी माँ मेरे को खाना बनाना सिखाया रोटी बनाना भी सिखाया है खाना बनाना भी सिखाया है सब्जी बनाना दाल बनाना ये हर चीज सिखाई है पीसना आप तो ये करें खाने की मेरे को मैं मा, मेरी माँ ने पीसना सिखाया है मैं आटा पीस के रोटी बना सकती हूँ कोई सी भी नाच की रोटी बना सकती हूँ मैं मक्की की रोटी बनाती हूँ बना बना बाजरे की बनाती हूँ और गेहूँ की रोटी बनाती हूँ कोई सी भी आटे की रोटी बना सकती हूँ मैं और मेरी माँ ने मुझे पता है आपको आजकल बेटे को सीधा आटा देते हैं तो वो रोटी नहीं बनाती मेरी माँ तो मेरे को आटा छान के जो तुर्ष होते हैं ना वो देती थी बोला अब इसको आटे को घूं के रोटी बना अब तुस की रोटी कैसे बनेगी लेकिन वो कहती थी कि जब तुस की रोटी तू घूध के बनाएगी ना तब मैं तेरे को मानूंगी और वो माँ की जिद पे फिर उसको गूंध गूँद के गूंध गूँद के पानी छिड़के डाल डाल के उसकी ले बना देती और एकदम इतना उसमें लौंच आ जाता कि उसकी रोटी बन जाती थी और वो रोटी मेरे कुत्तों को में हम लोग खिलाते थे तो मैं मेरी माँ बहुत मेरे को प्यार से रखती थी और खाना भी बहुत अच्छा सिखाया लेकिन शादी के बाद में कहने का मतलब यह कि मैं खाना तो बनाना आता है लेकिन वो बनाने का मौका नहीं मिला कि मेरे को नहीं तो मेरे पापा ने बनाने दिए मुझे जब भी मैं रोटी बनाने बैठती पापा कहते नहीं नहीं आंखों में धुआं चला जाएगा रोटी नहीं बनानी बेटा तू तेरे नाच खेल कूद जा तो पापा रोटी बना लेते लेकिन मेरे को नहीं बनाने देते मम्मी रोटी बना लेती बड़ा भैया रोटी बना लेते लेकिन मुझे नहीं बनाने देते मेरे बाद है मेरी छोटी बहनी थी बस और भाई थे मम्मी कभी बीमार होती तो भाई बना लेता रोटी वो पीसना पीस लेता कभी मैं पीस लेती पर बस मेरे को रोटी नहीं बनाने देते कि हाथ जल जाएंगे या फिर आंखों में धुआं घुस जाएगा तो इस तरीके से पूरे प्यार घर के जो वो लाड प्यार में रखते थे क्योंकि उनको पता था कि ये धरती माता की बेटी है और वो मेरे को एहसास नहीं होने देते थे कि हम इसकी कितनी रेस्पेक्ट करते हैं तो मेरे पापा की बहुत लाडली थी वैसे वो चीज़ें मेरे साहब देखते रहे क्योंकि मेरी शादी हुई जब मैं चौदह साल की होगी जब मिली थी मैं इनसे जब मैं सात साल की थी तो पहले मेरे घाघरे कमीज का कपड़ा ही मेरे साहब ही लेके आया था केकड़ी से खरीद के मैं तो मेरे नेकर पहन के घूमती थी खूब आराम से जब ये मुझे भजनों में नचाने जाते तो माँ का घाघरा पहन के जाती थी तो कहा कि बोले छोरी के लिए घाघरे का कपड़ा लेके आऊँगा तो पहला कपड़ा है चार मीटर कपड़े केकड़ी से लेके आए थे ये तो जब से मुझे जानते हैं तो सब देखते हैं कि ये लड़की को कितने प्यार से रखते हैं तब कुदरती इनके साथ शादी होगी इन्होंने मना भी किया कि तो बहुत छोटी है मैं तो बड़ा हूँ बोले मेरे इसके तो बोले पच्चीस तीस साल का फर्क आ रहा है तो मेरे समाज वालों ने कहा कि नहीं पापा नहीं रहे तुम बचपन से इसको देख रहे हो तो तुम इनका ध्यान रख सकते हो पढ़े लिखे भी है साहब थोड़े बहुत तो बोला ठीक है शादी होगी तो वो उसी नज़र से मुझे देखते थे जैसे मेरे पापा और मेरे परिवार के मेरे को रखा बस उसी नजर से आज तक देखते हैं आज भी वो उनका एक्सीडेंट हो गया रेड के डी होने के बाद में भी वो तीनों बच्चों को पांचों बच्चों को पाला आज भी वो ही खाना बना के खिलाते भा आ गई ये फिर भी कहते बोले नहीं थारा थरात का खाना चाहो कौन लगा मैंने मैं खुद बनाऊंगा सब्जी मैं खुद बनाऊंगा थारा हाथ को पसंद करें तो इस तरीके से वो साहब मेरा मतलब मेरी मां मेरा भाग भी है ये देख लो इस तरीके से तो बस ये लाड प्यार का ही है फिर उसके बाद जब शादी हो गई मेरी खाने की बताऊँ खाने का मौका नहीं मिला मेरे शादी हुई तो हम लोग वहाँ से मेला मेरी शादी हुई थी मैं यहाँ जयपुर आ गए वापिस शादी करके तो साहब ये आराम मशीन पे काम करते थे ये आ गए बैठे माँ के पास आगे बैठ गए और मैं आटा गूँध के स्टोव पे रोटी बनाने के लिए बैठ गई तो वो एक रोटी नहीं सीखी मेरे से दस घंटे से नहीं स्टोव चल रहा नहीं वो रोटी सीख रही तो वो साफ देखते रहे बेटे बेटे, बेटे देखते रहे देखते रहे देखते बोले माँ कितने दिना में रोटी बनेगी मेरी माँ का घर बोले बेटा अब देख बैठी है आज भी ने रोटी बनावाना पता नहीं कब बनेगी ये तो मेरी माता कहती थी बोला आज की शादी के बाद पहले बार खाना बनाएगी बोले बन गया माँ खाना इससे तो अच्छा मैडम वक्त के साथ साथ आपके नाम भी बदलते गए वक्त और चमत्कार कह लीजिए जैसे जैसे कुछ चमत्कार चीजें हुई आपके नाम भी बदले तो ये गुलाबी से गुलाबो जो नाम पड़ा ये कैसे पड़ा इसके पीछे क्या वजह है धनवंती से गुलाब हुई जी। गुलाब से फिर मैं जब हिम्मत सिंह जी मुझे जयपुर लेके आ आगे हिम्मत सिंह जी महारानी गायत्री देवी जी और ये ये तृप्ति जी जयपुर लेके आए तो फिर मेरा नाम गुलाबी रखा हिम्मत सिंह जी ने कहा कि देख तेरा नाम आधा था आज मैं तेरा नाम पूरा कर देता हूँ गुलाबी तो गुलाबी नगर की गुलाबी है क्योंकि तू गुलाब जयपुर में आ गई है तो मेरा नाम गुलाबी रहा जब मैं अमेरिका जाके वापस आई तब हरियाणा से एक धर्मयोगी मैगजीन निकली उससे मेरा नाम निकला गुलाबो मैं उनसे लड़ाई भी करी एल्बम भी बना गुलाबो मैंने कहा भाई तुम मेरा नाम नाम ही बिगाड़ दिया।, दिया मैं मैं गुलाबो लड़का थोड़ी ना हूँ मैं तो लड़की हूँ तो उन्होंने कहा कि बेटा तुमने लड़का जो नहीं करे उससे ज्यादा बड़ा काम किया आपने तो एक गुलाबो नाम नजदीक लगता है स्ट्रॉन्ग नाम लगता है और वो पावरफुल नाम रखता है लगता है तो इसलिए हम आपका नाम गुलाबो ही रखेंगे तो मैं हमेशा मेरा नाम गुलाबी बोलती हूँ लेकिन अब धीरे 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 मुझे भी आदत पड़ेगी गुलाब का नाम बोलने की मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरह से सरकार ने ये जानवरों को पालना बैन कर दिया जैसे सांप की बात कर रहे हैं सांप को पालना बंद कर दिया है अब किस चीज़ पे निर्भर हैं जो आपके समाज के लोग हैं प्लस दूसरा सवाल इसी साथ जुड़ा हुआ है जब आप लोग सांप पालते थे उसका जो जहर था वो कैसे निकालते थे क्या किसी को डर नहीं लगता था उससे वो तो हमें हमारे जो गुरु कणिपा ना जी है वो मतलब हम नौ नाथों में से हैं नाथ पंथ में हैं तो हमारे जो गुरु जी को जब बोला शंकर भगवान के भाई आप अपना कुछ ऑनर दिखाओ तो सब कोई आटा लेके आया कोई क्या लेके आया कोई तो हमारे गुरु जी जाके सांपों का झेर निकाल के लेके आए और वो ला और जब शंकर भगवान ने कहा कि तुम जो भी चीज़ लेके आए तुम अपना अपने पी लो तो मैं हमारे शंकर भगवान जो हमारे गुरु जी थे वो तो डर गए हम तो झेर निकाल के लेके आए हम कैसे पी सकते हैं लेकिन वो शंकर भगवान का नाम लेके पी लिया और तो वो हमारे गुरु कलिपा नाथ जी से ही हमें विद्या मिली उनसे हमें शिक्षा मिली उनसे हमें ये ये कला मिली कि हम सांप का झेर कैसे निकाल सकते हैं हम सांप का झेर निकालते हैं यहाँ उनके पोटली होती है दो झेर की वो धीरे 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 उनका एक सुया होता है उससे हम जला के उसको गर्म करके ठंडा करके उसको और फिर उसको ऑपरेशन की जैसे धीरे धीरे उनकी चमड़ी को फाड़ के और फिर वो पोटली निकाल लेते हैं Osionfish. दोनों झेर की पोटली निकाल लेते हैं जेरीले दांत तोड़ देते हैं दांत तो वापस आ जाते हैं तीन महीने में, में पर वो झेर की पोटली कभी नहीं बनती तो इस तरीके से हम झेर निकाल लेते हैं फिर वो हमारा साथ ही रहता है सांप और दांत भी वापस आ जाता है वो काट भी लेता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो वो हमारे साथ ही रहते हैं तीन महीने हम लोग रखते हैं सांप को फिर हम छोड़ देते हैं फिर दूसरा सांप पकड़ते हैं फिर वो तीन महीने रखते हैं फिर उनको छोड़ देते हैं कि वो जंगल की चीजें खाने का उनको वो शौक होता है और हम ज्यादा उनको रख नहीं सकते हमारे गुरु जी का ये वरदान है और रही बात अब गुरु जी अब सांपों की कि हम जब सांपों को नचा के हमारा पेट पालन होता था और उन्हीं वो हमारा रोजी रोजगार था पर कुदरती ये देखो कि जब सांपों की पाबंदी हुई उन्हीं दिनों में, में मेरा जन्म हुआ और धीरे धीरे करके सात आठ साल की उम्र में मैंने डांस स्टार्ट किया और समाज के लोग हैं वो लुक छुप के थोड़ा सांप पकड़ते थे और गाँव ढाणी में दिखाते थे अमेरिका जाके वापिस आई तो समाज के लोगों ने भी मान लिया और देश ने भी मान लिया कि नहीं ये डांस है तो वो आज सांप की जगह में डांस करती हूँ और आज हमारे अमेरिका से जाके आने के बाद में हजारू लड़कियों की जान बची आज हमारे समाज में कोई बेटियों को नहीं मारते आज वही बेटियाँ सांप नचाते थे पहले आज वही बेटियाँ उसी बिल के ऊपर नाचती है और वही बेटियाँ आज पीर को भी कमा के खिला रही ससाल को भी कमा के खिला रही है तो आज सांपों की जगह हमारी लड़कियाँ नाचती गुलाबो जी आपने दुनिया भर में नाम कमाया लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब लोक कलाकारों की मांग को लेकर गुलाब वो है उसने सड़क पे आंदोलन भी किया था वो किस्सा क्या है और क्या वो मांग पूरी हुई इस जवाब के जरिए मैं पूरे राजस्थान में, में लोक कलाकार हैं उनकी स्थिति आपसे समझना चाहता हूँ मैं देखो मैं खुद कलाकार हूँ और मैं कलाकारों के लिए कलाकारों के हक के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ मेरे उस टाइम में फ्रांस जा रही थी राजस्थान दिवस था और सरकार अपने यही कांग्रेस की थी तो मेरे को कहा कि बोलो गुलाबो इस बार रेट बढ़ेगा और जो दो सौ रुपये देते हैं वो कलाकारों को पाँच सौ देंगे और लीडर को आठ सौ रुपये देंगे और नया बजट आ गया है तो आप भी रुक जाओ और आपको राजस्थान दिवस मना के जाना है उसके बाद तो मुझे नसीब हुआ नहीं अभी तक बोला आप जाना मैंने कहा ठीक है साहब तो मैंने मैं फ्रांस जा रही थी मैंने कहा कि मेरा दो दिन बाद का टिकट बनाना है एक हफ्ते बाद का मैं बाद में आऊँगी अभी नहीं आ रही तो मैं राजस्थान दिवस के लिए रुक गई कि मेरा राजस्थान दिवस है और राजस्थान के लिए तो मैं रुक भी सकती हूँ मेरा वहाँ का एक प्रोग्राम कैंसिल किया मैं रुक गई यहाँ पे हमने एक हफ्ते रिहर्सलें करी और प्रोग्राम बजाया राजस्थान दिवस का और बढ़िया हो गया सब कुछ सात सौ कलाकार आए हुए थे तो हमें जो जो प्रैक्टिस हमारी जो करवा रही थी कि आपको ये कोरोग्राफ कर रही है मैंने कहा हमारे को क्या कोरोग्राफ करेगी भाई हम तो सबको आता है लेकिन नहीं बोला फिर भी एक स्टेज कोरोग्राफ चलो ठीक है उनको उन्होंने तीन लाख रुपये दे दिए और वो गई जब हमने पैसे मांगे मेरे कलाकारों ने पैसे मांगे तो बोला आपको टेजरी में बिल पास होगा उसके बाद में आएंगे तो हम जानते कि टेजरी का बिल तो बहुत दिनों में पास होता ही नहीं है तो जल्दी मैं तो मेरे चली गई थी मेरे जाने वाली थी फ्रांस तो मेरे को तो पता भी नहीं कलाकार जब पैसे मांगने गए तो उन्होंने कहा कि भाई अभी आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो कि साहब पैसे क्यों नहीं मिलेंगे कि अभी बिल पास होगा तब मिलेगा तो क्या आपने तो कहा था हेंड टू हेड तो इस तरीके से वो काफ़ी बातचीत होती रही एक कलाकार है जो यहाँ काटी पे था टूरिज्म डिपार्टमेंट अपना पहले तो वो मिट्टी का तेल डाल के जलने लगा तो वो मीडिया वगैरह में आ गई मेरे पास कि ये लड़का खत्म हो रहा है जल के कहा भाई तू क्यों खत्म हो रहा है उससे पहले मैं एक प्रोग्राम करके जा रही थी कहीं पे तो मेरे को ये जो कंजर होते हैं अपने वो चक्री डांस वाले तो वो, वाले तो वो चक्री वाले तो वो पैदल पैदल जा रहे सामान सिर पर उठा रखा कासाकोटी में मुझे वो मिले स्टेशन से पहले तो मैंने जब पूछा कि आप पैदले पैदले कहाँ जा रहे होने कहा टैक्सी लेके जाओ कि टैक्सी के तो पैसे नहीं है हमारे पास तो मैंने कहा पैसे क्यों नहीं आपको पैसे मिले होंगे रात को बोले नहीं दिए मना कर दिया तो मैं सुबह गई तो मैंने देखा वो लड़का उधर मिट्टी का तेल डाल के चल रहा है इधर रोड़ा मचा पड़ा है तो मैं जाके बात करी मैंने कहा साहब रेखा मैडम थी उस टाइम पे और उषा जी या पुष्पा जी नाम था ऐसे कुछ नाम था मैंने कहा मैम क्या हुआ कलाकारों का पेमेंट बोला नहीं अभी तो पेमेंट नहीं मिलेगा पेमेंट बाद में मिलेगा तो मैंने कहा सर आपने तो कहा था कि प्रोग्राम खत्म होते ही आपको पैसे मिलेंगे तो बोले नहीं नहीं अभी तो वो अपने क्या नाम उनका एक वो भी थे तो मेरे को मना कर दिया फिर हम लोग मीना कांक जी के पास गए मेरे कहा मैडम हमारे को, को पेमेंट नहीं मिल रहा और कलाकार परेशान हो रहे हैं बोले तू नेता बन के आई मैंने कहा मैम मैं नेता बन के नहीं आई वो मेरे को जानती भी थी मैं उनको डांस वगैरह भी सिखाती थी तो मैंने कहा मजाक कर रहे होंगे मैम तो बोला तू नेता बन के आई कलाकार कलाकारों की मैंने कहा नहीं मैम मैं नेता बन के नहीं आई मैं तो बोल रही हमें पेमेंट दिलवा दो आप तो कह रहे कि बोला आप सब कलाकारों का अलग अलग, अलग बिल चाहिए सबका नाम पता चाहिए और उनका सबका अकाउंट नंबर चाहिए तो उनके सबके पैसे अकाउंट में जाएंगे मैंने कहा हमारे पास तो खाते ही नहीं खुले हुए अकाउंट में कैसे जाएंगे पैसे बोले नहीं नहीं सब कलाकारों के पास में होते हैं खाते दो मैंने कहा इन कलाकारों के पास में खाते है ही नहीं मैडम हम लोग घर आ गए तो बात ऐसे धीरे 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 करके आगे तक पहुँचती रही हम गहलोत जी के पास में गए मैंने कहा सर इस तरीके से हमारे पास में वो खाते खुले हुए है नहीं वो कह रहे थे बोले पैसे डायरेक्ट भेजेंगे और हमें रेट बताई थी छः सौ रुपये और ये दे रहे थे वो ही पुराना रेट दो सौ रुपये वो कह रहे थे बोले अप्रैल से बढ़ेगी ये कलाकार तो घूमर की लड़कियाँ लेके आया है ये तो छः सौ रुपये के हिसाब से कलाकार को पेमेंट दे दिया गिरवा रख के तो ये तो मर रहा है अब इसका क्या करें तो बोले रेट तो जब मिलेगी जब मिलेगी पर खाते तो बोले खुले हुए है ही मैंने कहा सर इनके पास में नहीं है बोले क्या बात करती है बोला बोले जो का काम करते हैं उनके पास में भी होता है तो मैंने कहा सर वो उनके तो नब्बे दिन का काम देते हो आप जब तीन महीने का काम देते हो नब्बे नब्बे दिन का तो वो तो उनके पास में तो खाता खुलेगा ही खुलेगा हमें कौन सा तो नब्बे दिन का काम देते हो आप तो साल में एक प्रोग्राम या दो प्रोग्राम मिलते हैं और दो सौ रुपये मिलते हैं उस प्रोग्राम के मैंने कहा साहब और दो खाता खुलाएंगे तो हजार रुपये लगते हैं दो विटनेस चाहिए तो दो विटनेस हजार रुपये कहाँ से लेके आए चेक तो आप दो सौ रुपये का ही दोगे तो इस तरीके से काफ़ी वो बातचीत चलती रही चलती रही फिर वो बात आगे बढ़ गई फिर हमने सोचा कि नहीं हम तम सब कलाकार अब आंदोलन करेंगे हम चलो निकलते हैं मार्केट में मैंने कहा सब हम तो नाचेंगे रोड पे बोले नहीं मैंने कहा हाँ देखो आपने ही देखा डांस तो राजस्थान दिवस ने कुछ लोगों ने पूरी जयपुर को दिखाएंगे अब हम हमारा डांस हम तो ड्रेस से पहन के हज़ार कलाकारों के साथ पूरे राजस्थान के कलाकार इकट्ठे हो गए हज़ार कलाकारों के साथ मैंने पूरे पंद्रह बीस किलोमीटर में मई जून का महीना था और पूरे जयपुर में मैंने रैली निकाली और सारे कलाकारों में लेके फिर मैंने धरने का ऑर्डर ले लिया तो उस टाइम पे मीडिया ने और प्रशासन ने बहुत साथ दिया मुझे फिर मेरे को धरने का भी मिल गया मेरे को परमिशन बैठने लगी तब तो फिर फिर बाद में गए साहब ने मुझे बुलाया कि देखो लाभू ये मत करो आप ये अपने आपका इतना बड़ा नाम है और नाम का सवाल है मेरे का नाम है तो सब नाम पेट में तो भूखे मर रहे वो नाम किस काम का लोग तो मर रहे हैं वो नाम किस काम का फिर मैंने सर को उनको पूरा पता नहीं था कि बात क्या है फिर मैंने उनको पूरे कम से सौ डेढ़ सौ चेक पड़े थे हम लोगों के पास में वो दिखाया उनको मैंने कहा सर देखो आप चेक देखो ये नाइन्टी का चेक नाइन्टी फाइव का नाइन्टी टू का ये देखो आप चेक और अभी ये क्या चल रहा है बारह तेरह चल रही है नाइन्टी टू नाइन्टी वन के तो ये चेक हमारे पास पड़े कोई दो सौ का है कोई मैंने कहा देखो दो प्रोग्राम बजाए तो चार सौ का है तो वो चेक इतने सारे राउंड हत्या वालों के पास में थे कुछ तो वो जो चक्री डांस वाले उनके पास में थे कुछ हमारे समाज वालों के पास में थे इतने सारे चेक ले जा कर मैंने साहब को दिए मैंने कहा ये देखो उन्होंने देख के बोला अरे तो बात तो सही है इनके पास तो चेक पड़े इनके खाते ही नहीं खुले हुए मैंने कहा देखो सब खाते खुले हुए होते तो हम तो जमा करवा देते हैं फिर उन्होंने मेरे ऊपर फाइ जाने का टाइम हो गया मेरा फिर उन्होंने कहा कि बोले नहीं बोला वो तुम सही लड़ाई लड़ रही हो गेहलोत साहब ने खुद ने कहा कि बोले नहीं आपको अभी मैं सबके खाते खुलवाता हूँ फिर दस लाख रुपये पास किए उन्होंने फिर उन्होंने सब कलाकारों के खाते खुलवाए पाँच पाँच सौ रुपये खाते में गए जितने कलाकार हैं वो आज तक भी खुल रहे हैं खाते खुलवाए है, एक महीने का सब कार्ड बनाओ हमारे हम लोग प्रोग्राम करके जाते हैं बेचारा ढोलक वाला उसकी पूरी रात पुलिस वाला ढोलकी बजवाते हैं कहाँ से आ रहा है तू ढोलकी बजा <gözành> हमें भी सुना बजा के तो बेचारा वो ढोलकी बजा बजा के सुनाता रहता है तो बेटा एक उनका कलाकारी कार्ड बनना चाहिए कि भाई मैं कलाकार हूँ साहब मैं प्रोग्राम बजा रहा हूँ और मैं सरकारी कलाकार हूँ तो हमारे पास में एक आइडेंटिटी कार्ड होगा सरकारी कलाकार हैं हम सबके कार्ड बने वगैरह वगैरा मेरे वो भी देनी चाहिए तो इस तरीके चार पांच डिमांड है हमारी फिर तो बढ़ती जाती तो एक डिमांड के साथ दस डिमांड हो गई हमारी पेंसिल भी दो प्रोग्राम दो हर जगह टूरिस्ट विलेज की जगह जहाँ रामबाग हुआ जहाँ पे नारगढ़ हुआ ये जंतर मंत्र हुआ यहाँ पे सब हवा मेल हुआ यहाँ पे भी मेरे हम कलाकारों को जिंदे कलाकार को दिखाओ बिल्डिंगें दिखाते हो वो तो कलाकार ही है लेकिन जिंदे कलाकार नाचेंगे तो वो भी अच्छा लगेगा देश का नाम होगा और टूरिज्म बढ़ेगा अपना तो वो भी बात मानी उन्होंने काफ़ी कलाकारों को भी वहाँ पे रोजगार मिला हर जगह और जहाँ जहाँ हेरिटेज है वहाँ पे जिंदा कलाकार भी है वहाँ पे तो बस वो डिमांडें पूरी हुई और काफ़ी उन्होंने हेल्प भी की और सपोर्ट भी किया और अभी तक कलाकारों का मान सम्मान दे रहे हैं और सपोर्ट भी और काफ़ी रेट भी वापस वो बढ़ा दिया कि ठीक है वो कलाकारों को छः सौ हज़ार रुपये लीडर को मिलने चाहिए अच्छा मैम मेरा सवाल है आपसे कि अब आप क्या कर रही हैं अभी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेके आप कोई काम कर रही हैं अभी मैं ये कर रही हूँ कि अभी तो मैं आपसे बातें कर रही हूँ <laughs> अभी मैं ये कर रही हूँ कि मैं स्कूल बना रही हूँ मेरे पुष्कर में कालबिल स्कूल जिसको सफरा बोलते हैं वो एक मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है मेरा एक लाइफ का सपना है कि मेरा एक अपना स्कूल हो जिसमें हर बच्चा डांस सीखे आके चाहे देश का चाहे विदेश का वो वहाँ पे पढ़ाई भी हो क्योंकि पढ़ाई नहीं है तो कुछ भी नहीं है बगैर पढ़ाई के बच्चा और इंसान आधा होता है क्योंकि पढ़ा लिखे लोगों की आंखें चार होती है अनपढ़ की आंखें दो ही होती हैं तो इस तरीके से मैंने सब बच्चों को और मेरे समाज के आज मैं समाज की अध्यक्ष भी हूँ पूरे हमारे समाज की तो उनको मैं ये जब भी जाती हूँ बोलती हूँ तब यही कहती हूँ कि बस कटोरा छोड़ो और पेन और डायरी बच्चों को हाथ में दो ताकि वो पढ़ेंगे डिजिटल टाइम आ गया पढ़ेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे तो ये बच्चे आज हमारे समाज के बच्चे बहुत पढ़ लिए लिख लिए लिख रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि डांस सीखते हैं बच्चे लेकिन पढ़ाई भूल जाते हैं तो डांस के साथ साथ वो पढ़ाई भी हो तो वो स्कूल में डांस भी होगा पढ़ाई भी होगा हैंडीक्राफ्ट का काम है वो भी हमारे पूंगी कैसे बनती, बनती, बनती है बीन कैसे बनती है वो डपली कैसे बंटते हैं ज्वेलरी कैसे बनती है ड्रेसें कैसे बनती है वो सारी चीज़ें वहाँ सिखाएंगे कालेबलिया का जो ट्रेडिशनल चीज़ें वो सारी हम लोग वहाँ बताएंगे चाहे वो देसी हो चाहे परदेसी हो हमारे खुद के समाज के बच्चे हो उनको सब प्रॉपर सारी चीज़ें उनको वहाँ सिखाएंगे हम ये कर रही हूँ अभी मेरा स्कूल का काम फिर मैं प्रोग्राम कर ही रही हूँ और पूरे जो अपने सरकारी प्रोग्राम भी कर रही हूँ प्राइवेट प्रोग्राम भी कर रही हूँ तो और बाकी मेरी तीसरी पीढ़ी उसको मैं तैयार कर रही हूँ कोरोना में दादी की भी दादी पैदा हो गई मेरे तो उनको मैं डांस सिखाती हूँ क्योंकि मेरी छः साल की एक पोती है वो जब डांस करती है तो कोरोना में यूँ मैं सब दुनिया को सिखा रही थी कि भाई आप ये करो वो करो बोलती थी मैं वीडियो बना के भेजती थी कि डरना नहीं अपने बच्चों को सिखाओ और अपने बच्चों को गाना सिखाओ डांस सिखाओ और उनको आगे बढ़ाओ और मैं वो कहती थी वो बच्चे सीखते थे मैं उनको सिखाती नहीं थी लेकिन वो वो सीखते थे और मैं उनको मैं बोलती थी तो एक रोज़ मैं बोली मैंने कहा यार मैं दुनिया को सबको कहती हूँ मैं तुम लोगों को तो सिखाया ही नहीं कभी आ जाओ मैं तुम्हारे को सिखाती हूँ तो वो बोलते बोले दादी ठीक है आप बैठो मैं करके दिखाती हूँ आपको तो वो चक्कर लेने लगी तो वो चक्कर लेते रहते लेते, लेते लेते भाई मुझे बंद हो जाए फिर मैंने गन्ना स्टार्ट किया सौ डेढ़ सौ दो सौ अरे अरे मेरे कहा गिरेगी क्या है वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही अरे तिहाई पे तो आ जा भाई आने का नाम ही नहीं ले रही तो फिर मैंने वो वीडियो बना के मैडम को भेजा मेरे लाइव दाता जो तृप्ति जी उनको मैंने कहा मैम देखो आपकी पोती वो कहती भाई ये दादी की भी दादी है ये तो तेरी भी दादी निकली कहाँ से नमूना ही है मैंने कहा ये आपका भवानी का है तो ये दो पोतियाँ हैं मेरे उनको तीसरी पीढ़ी के साथ में आज प्रोग्राम करती हूँ दोनों बहुत अच्छा डांस करती है माही और औरतिया उनका नाम है तीन बेटियाँ हैं बड़ी वाली बेटी राखी है जिसको मैं गुरु मानती हूँ एम स्कूल से महारानी गायत्री देवी ने उनको पढ़ाया लिखाया उन्होंने मुझे कहा कि बोला वो छः साल की थी तभी उनको राष्ट्रपति अवॉर्ड मिल गया और उन्होंने कहा कि बोला अब तो तेरी बेटी राष्ट्रपति अवार्ड ले लिया है तो बोला अभी इसको पढ़ा तो मैडम ने कहा कि तू हॉस्टल में रख दे यहाँ फिर मैंने इसको एम स्कूल में रखा हॉस्टल में और वो इंग्लिश एम ई किया है फ्रांस पढ़ के आई है और राजस्थानी फिल्मों की हीरोइन है वो और राजू राठौड़ और उसकी पक्की हीरोगिरी की और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है छोटी वाली है वो मेरा वाला डांस भी करती है गाती भी है और वो मूवी में भी करती है दूसरी वाली वो भी मूवी में भी करती है और डांस भी करती है गाती भी है अपनी खुद की गिटार बजा के रूपा जिसका नाम सर कह रहे थे रूपा वो आज गिटारिस्ट बन गई है गाती भी है और गिटार बजाती है मेरे वाला डांस तो करती अभी आदिवासी कंपटीशन हुआ था रायपुर में तो उसमें दोनों बेटियां गई थी और ड्रेस और बोलने में वो छोटी वाली फर्स्ट आई दूसरी वाली को आदि रानी का खिताब मिला उसको तो क्राउन लेके आई पहली बार हमारे भी समाज में क्राउन मिला तो इस तरीके से बच्चे मेरा बड़ा बेटा जो है दिनेश अब सब जानते होंगे दिनेश नाम है उसके लिए डीनो बंजारा के नाम से आज वो सारी दुनिया में पहचान है उसकी फ्यूजन ग्रुप चलाता है वो और वो डी भी बजाता है और दूसरा वाला भवानी है वो मेरा बेटा मोटरबाइक रेसिंग करता है और वो स्टैंडिंग करता है और इंटरनेशनल खिलाड़ी है वो भी तो इस तरीके से मैं नहीं चाहती कि मेरे ही बच्चे सिर्फ पढ़े लिखे और वो कलाकार बने मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे समाज के बच्चे पढ़े लिखे और वो आगे बढ़े और वो इस तरीके से आज इतने मतलब मेरी सबसे पहले मेरी बेटी ने पढ़ाई किया आज मेरे समाज के लोगों ने पढ़ाई की इतनी कि आज कोई सी बन रहा है कोई डॉक्टर बन रहा है कोई पुलिस वाला बाइडमेर में एक पुलिस वाला स्पेक्टर बनाए एक थानेदार बन रहा है और मतलब इतने नेता नांगड़े भी आ गए आज मेरे अध्यक्ष बनने के बाद में कि 2006 में मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था मेरा खिल राजस्थान महासभा का आज मैं पूरे भारत की अध्यक्ष भी हूँ समाज की और इतना उनको जागरूक किया है मैंने मेरे उद्देश्य सारे लिख लिख के उनको पर्चे बांटे आज घर घर में तो हमारे नेता हो गए मैं नेता तो हूँ नहीं मैं समाज रो देख सो नहीं मैं मैं आऊँ नहीं बार देख दो बात तो करूँ और ले तो, तो इस तरीके से हमारे आज बच्चे भी खूब और दो तीन लोग हैं जो हमारे राजनीतिक में भी चले गए और वो इतना मतलब आगे बढ़ गए मेरा समाज जो बिचड़ा समाज था जिसको कोई नहीं पहचानते थे वो समाज जो था जिसको कुएं का पानी नसीब नहीं होता था गांव का कुआ पानी नहीं पीने देते सपेरे लोगों ने हाथ लगा लिया पानी ये खराब हो गया तो हमें मार पीट के भगाते थे वहाँ से हम पानी पीने के लिए जंगल का कुआ देखते थे या फिर नंदी में से खोद के पानी निकालते थे और गाँव के पास तो हमारे डेरे नहीं रहने देते आज हम गाँव के बीच में रहते हैं लोग हमें आवाज़ दे बुलाते हैं आज बस जाओ यहाँ पे तुम्हारे डेरे यहाँ लगेंगे गए तुम गुलाबों के परिवार के हो आज वो नेता बन गए हैं आज वो एक साथ बैठते हैं खाते हैं पीते हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि आज वो अपना हक मांग रहे हैं आज अपना अधिकार जमा रहे हैं कि हम भी राजस्थानी है हम भी हिंदुस्तानी है हमारा अधिकार हमें दीजिए वो आरक्षण मांग रहे हैं अपना और उनको इतनी पहचान होगी ना इतनी नॉलेज होगी कि हमें भी गुम समाज के हैं हमें भी हमारा आरक्षण चाहिए और हमें भी हमारी सीट चाहिए तो सीट तक पहुँच गए हमारे समाज के लोग ऐसे अब सबसे मुश्किल सवाल मैं करने वाला हूँ एक माँ के लिए तो उसके सारे बच्चे बच्चियाँ हैं वो बिल्कुल एक समान होते हैं लेकिन गुलाबों को बतौर कलाकार आप देखती हैं किस में आपको अपनी विरासत दिखती है अपना भविष्य दिखता है किस बच्चे देखो मेरे तो मेरे लिए तो मेरे पाँचों बच्चे मेरा भविष्य है और यहाँ तक कि मेरे पूरे समाज के बच्चे पूरे मेरा भविष्य है कि मेरे समाज के सारे बच्चे यहाँ तक कि जो बाहर की बच्चियाँ सीखती हैं डांस सीखती हैं वो भी मेरा भविष्य है और सब में लेकिन मेरी जो परछाई और मेरी जो कार्बन कॉपी वो मेरी राखी है मेरी बेटी है जो वो उसको आज एक किताब मिल चुका है उसको कि वो मेरी कार्बन कॉपी भी है और मेरा भविष्य भी है और मेरी एक जिंदगी भी है कहते ना दो जान रही जिंदगी होती है वो मेरी जिंदगी है वो आज मैं मेरे बच्चों का ध्यान नहीं रखती हूँ आज वो ही ध्यान रखती है एम जी स्कूल में पढ़ने के बाद बोर्डिंग में रहने के बाद फ्रांस पढ़ के आने के बाद है। वो बच्ची कोई ऐसा बच्चा बच्चे नहीं होगा जो वो अपने घर घर को संभाल लेगा पिछले साल मैंने शादी की तो आज वो ये कहती है बोले माँ मैंने कहा फ्रांस जाते हो इधर रहते हो इधर रहते हो आपको देखो बोले नहीं माँ शादी तो मेरी माँ का ये वचन है प्रवचन के मेरी शादी मेरे बच्चों की समाज में होगी तो माँ समाज में ही शादी होगी हम आपका वचन कभी नहीं जाने देंगे क्योंकि जो हम करेंगे वो समाज के बच्चे फॉलो करेंगे आपने जो किया समाज फॉलो कर रहा है आज जो हम करेंगे वो समाज की नई पीढ़ी फॉलो करेगी तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हमारी माँ के नाम पे या फिर उस काम जो इतनी मेहनत की उस पर कलंग लगे तो मेरी बेटी की शादी आज मेरे समाज में हुई मेरे दामाद जी बहुत अच्छे हैं वो पढ़े लिखे हैं और इस्कॉट लैंड बैंक के मैनेजर भी हैं और वो दिल्ली रहते हैं फरीदाबाद तो उनका छोटा भाई है वो सी बन रहा है वकील हो गए अभी वो जज की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो पढ़ा लिखा ख़ानदान मिला और वो उनका एक बर्दाश्त और उनका सब्र आज मेरे समाज में शादी हुई मेरी बेटी की और मेरे दोहिता है मैं नानी भी हूँ दोहिता हुआ है मेरे तो मेरी बेटी आज इतना सब कुछ करने के बाद में हीरोइन बनने के बाद सब कुछ आज उन्हीं बच्चों को संभाल रही है वही समाज में शादी की वही पति वही उसके खुद के अपना बेटा है और उनके बहन भाइयों को अपने बच्चों की जैसे देखती है बच्चों की जैसे पालती पोसती है उसी नज़र से और बच्चे मेरे जो दीदी कहेगा वो हम करेंगे आज वो उनके किए में चलते हैं और हम भी वही कहते हैं जो हमारी दीदी कहेंगी जो हमारी बेटी गुरु कहेगी वो हम करेंगे वही डिसाइड करते कौन से कपड़े पहन के जाना है आपको तो आज भी उन्होंने डिसाइड किया कि कौन से कपड़े पहन के जाना पर वो कहती बोले मैं थोड़ा टैचअप करके भेजूँ मेरे कहने नहीं वो वो मेरे रहने दे वो मेरा ओरिजिनल है ये ये चक्कर में मत पटको मुझे ये मेरा ट्रेडिशनल रहने दो मुझे आपकी बातें और जिस तरह से ज़िंदगी का अनुभव है हम कहते हैं कि एक पूरा जिंदगी का दौर हमने देख लिया एक बच्ची जो बिल्कुल ज़मीन में गाड़ दी गई और आज हमारे सामने गुलाबों बनकर जिस रूप में एक मिसाल है सभी के लिए ईश्वर आपको और लंबी उम्र दे लंबी ज़िंदगी दे और आपका जो फ़न है और ज़्यादा उस मुकाम पर पहुँचे लेकिन हर एक की ज़िंदगी में एक पड़ाव आता है आप पीछे मुड़ के जब देखेंगी आप क्या चाहती हैं गुलाबों किस रूप में दुनिया में जानी जाए मैं मेरा पहला जो ड्रीम मैंने बताया था अभी कि मेरा एक हर घर में गुलाबों हो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम यही है कि मैं हर घर में गुलाबों हो और बस ईश्वर से मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरे को कभी पीछे घूम के देखने का जितना मुझे, मुझे मौका नहीं दे मुझे स्टेज पे डांस करते करते ही ऊपर बुला ले क्योंकि मैं पीछे घूम के नहीं देखना चाहती और नहीं मैं दिखाना चाहती हूँ किसी को बहुत सारी परेशानियाँ होती वो याद रखना पड़ता है और हर किसी को याद रखो कि आपके साथ में क्या गुजरा है और क्या नहीं उस चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए इंसान को वो चीज़ आपको याद रखेगी वही आपकी ताकत है और वही आपकी हिम्मत है आप अगर गिरे हो तो उसको भी आपको याद रखना मैम आपने अभी बताया कि आप नानी बन चुकी है दादी बन चुकी है उम्र के इस दौर में तो अक्सर लोग घुटनों के दर्द से और कमर के दर्द से परेशान रहते हैं लेकिन आप अभी भी वैसे ही नाचते हैं जैसे कि आप बचपन में डांस करते थे तो इस चमक और इस जोश के पीछे का राज आप हमें बता दीजिए इस चमक का इस जोश के पीछे का एक ही राज है कि मैं देखो मेरी उम्र भी बावन साल की हुई है और बावन साल में आदमी का अपन कहते हैं के कि भाई सौ साल की उम्र होती है तब तो आदमी बूढ़ा होता है और जब मरता है तो मेरी तो भी तो मैं तो अभी आधी ही हुई हूँ अभी बावन साल की तो आधी हुई है <laughs> तो मैं कहाँ बूढ़ी होगी कहाँ अभी मरने वाली हूँ तो अभी तो मेरे को पचास साल और जीना है पचास साल और आगे निकलना है और और आगे काम करना है अभी भारत सरकार ने मुझे पद्मश्री दे के सम्मानित किया है उसको तो मुझे मान सम्मान दिलाना है ना उसको तो मैं हर घर में गुलाबो इसलिए चाहती हूँ हर घर में गुलाबो और हर घर में एक पद्मश्री आए चाहे वो देश की चाहे विदेश की हो अगर मैं अभी हिम्मत हार ली और मैं अगर घुटनों को पकड़ के बैठ गई तो फिर आगे कौन निकलेगा और आगे कौन जाएगा तो आदमी को कितने शरीर बूढ़ा होता है लेकिन कला बूढ़ी नहीं होती शरीर बूढ़ा हो जाएगा लेकिन आपकी हिम्मत कभी बूढ़ी नहीं होती आपका मन कभी बूढ़ा नहीं होता और आपकी आंखें कभी बूढ़ी नहीं होती आप उसी नज़रिए से देखेंगे आप हमेशा जवान रहेंगे और हमेशा आप में हिम्मत रहेगी होना चाहिए आप में हौस और जोश दोनों चीज़ें होनी बहुत जरूरी है आप हौस में भी रहें और जोश में भी रहें तब तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं तो आप नहीं और मेरे में वो हौस और जोश दोनों है हौस से बोलती है और जोश से मैं अपना काम करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है डांस करना आज भी तुम मिट्टी धूल कांटा कहाँ पर भी ना चालो मेरे को चीफ गेस्ट करके बुलाते हैं ना वो इतना ही कहते हैं तो वो मेरे मुंह की तरफ देखते देख दे, मैंने क्या हुआ स्पीच हो गई अब डांस करो क्या बोला हाँ तो मैंने कहा ले ना मैं तो खुद तैयार हो करने के लिए मैं तो डांस करना स्टार्ट कर देती हूँ मैं कभी नहीं कहती नहीं 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 मैं सेलिब्रिटी में डांस नहीं करूंगी अरे भैया सेलिब्रिटी को तो पहले डांस करना चाहिए लोग बुलाए क्यों रहे हैं आपको इसीलिए तो बुला रहे हैं तो गुलाबों की जिंदगी का फलसफा यही है कि वो अपने हुनर को इस रूप में बढ़ाना चाहती है कि घर घर में एक हो तैयार हो वो हो जो अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर दुनिया में अपना मुकाम हासिल करे तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम मुझे नहीं लगता कि इससे पहले इतना डिटेल इंटरव्यू आपने कभी दिया होगा तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा हमारा ये इंटरव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जिसे हम गुलाबो जी तक भी पहुंचाएंगे ऐसे ही लोगों से मुलाकात और खबरों के सिलसिले को जारी रखने के लिए अगर आप यूट्यूब पर इसे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक बटन पर क्लिक करना ना भूलें और अगर आप फेसबुक से कनेक्ट हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और शेयर करना ना भूलिए तो मुझे दीजिए इजाजत फिर किसी मेहमान के साथ पंजाब केसरी डिजिटल की न्यूज़ रूम चौपाल में होगी मुलाकात तब तक के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नमस्कार